आप लोगों ने ये श्लोक देखा था ना, 22 22वां श्लोक बार दिखा दीजिए, 22 एक बार दिखा दीजिए तो याद रहेगा ना क्या बोला था। थीम ये चल रही है, थीम ये चल रही है कि ठीक है आ जाएंगे इधर, आप इस तरफ बैठिए, आगे थोड़ा आगे आ जाइए, प्रभु जी लोग थोड़ा मृदंग को आगे कर दीजिए, आगे बैठ जाइए, और लोग नहीं आएंगे, बस हो गया, इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है आ जाइए। हाँ तो क्या बात कर रहे थे, हाँ आपने थीम याद है, थीम क्या चल रही है, जो स्टूडेंट मिस करती थी उनको पता है, हमारी दीदी ने मिस किया था। ठीक है थीम ही चल रही है, ये याद है कि नारद जी के चित्त से भगवान अदृश्य हो गए थे। अब अदृश्य होने के बाद भगवान ने कुछ आकाशवाणी करी थी, ठीक है, और भगवान ने कहा था 21वें श्लोक में कि इस जन्म में हे नारद जी आप दोबारा मुझको, नारद जी तो नहीं कहा था, मतलब हाँ नारद कह सकते हैं, उस समय नारद नहीं था उनका नाम, तो इस जन्म में आप दोबारा मुझको नहीं देख पाओगे, क्योंकि जिनका अविपक्व कषायणाम, जिनका कषाय, जिनका हृदय काम क्रोध आदि के कषाय से मुक्त नहीं हुआ है, कम ओवर हियर, खा मैं खाना खा के आया हूँ, इधर के बैठ जाइए, हाँ मृदंग को आगे कर लीजिए ना, एक बार आगे का मतलब थोड़ा होता कि 6 इंच आगे, आगे मतलब किनारे आगे करिए ताकि भक्त बैठ सकें, ध्वनित अर्थ समझ लीजिए, आगे का मतलब क्या होता है। अच्छा टीवी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो फोन तो है ना आपके पास, फोन नहीं बाकी पास, तो आगे बैठ जाओ, ये भी किसी को नहीं खाएंगे, घबराई मत, मैंने आज्ञा दी, क्लास में किसी को नहीं खाना। तो जिसका कषाय शुद्ध अभी नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए भगवान दुर्दर्श होते, एक बात बोला, फिर मान लो नारद जी कहते फिर आप दिखाए क्यों। तो ने कहा कि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है उसको एक जन्म, एक इस जन्म, एक जन्म, इस एक जन्म में एक बार दिखाता हूं ताकि उसकी लालसा बढ़े, और वो दिखा बोला था श्लोक क्रमांक 22 में याद आ रहा है, सकृद यद दर्शितम रूपम एतत् कामयते नघ मत काम शनै के साधु सर्वान् मुञ्चति हृष्यान्। देखिए एक प्रकार का सोल्यूशन है, पिछले श्लोक में बोला कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है पूरी तरह से, उसको मैं देखता ही नहीं, और जो निष्पाप है भगवत प्रेम को पा गया, उसको एक बार दिखाता हूं ताकि उसका प्रेम तारुण्यता को प्राप्त हो, तरुण अवस्था को, बाल रूप अवस्था, कल तो क्लास में थे आप लोग नहीं थे, हाँ कल थे, तो बचपने वाला प्रेम से वो तरुण अवस्था को प्राप्त, परिपक्वता को प्राप्त हो, ताकि वो लगातार भगवान को देख सके और साक्षात भगवान की सेवा कर सके। तो इससे हम समझते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए, हित के लिए ही इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, ताकि उसके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की लालसा और उत्कट हो जाए। यहां तक बात समाप्त हुई थी, अब आगे देखिए मेरे पीछे बोलिएगा, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 6ठा अध्याय 23वां श्लोक, सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः, जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वा वधमिमं लोकम्, हित्वा वधमिमं लोकम्, गन्ता मज्जनतामसि, गन्ता मज्जनतामसि। मुझे लग रहा है संस्कृत इसकी ठीक से नहीं आई है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक से संस्कृत नहीं आई है, एक मिनट संस्कृत क्या है, वो इंग्लिश में मत दिखाओ, संस्कृत ठीक से देखनी पड़ेगी, संस्कृत सही से नहीं आई, एक मुझे वापस देखना पड़ेगा, 1.6.23 ना, अवध्यम इमम, अवध्य नहीं अवध्यम इमम, तो एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं उसे ठीक करके रखता हूँ, क्योंकि अब शब्द अवध है ना कि अवध है, तो वो गलत हो जाएगा, आप देख रहे हैं छोटी सी मिस्टेक होने से अर्थ पूरा चेंज हो जाता है, आई हैव टू चेंज इट, प्लीज बेयर विद मी, बोर्ड में क्या दिख रहा है, बोर्ड में तो दिख रहा है, तो ठीक है आवृत्ति की जो तो मैं चेंज कर रहा हूँ, आवृत्ति कीजिए, बोलो 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 बोलो, बोलना भी नहीं आता है, लखनऊ का नाम कटा रहे हो, सत्सेवया दीर्घयापि, सत्सेवया दीर्घयापि, जाता मयि दृढ़ा मतिः, जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वा वद्यमिमं लोकम्, हित्वा वद्यमिमं लोकम्, गन्ता मज्जनतामसि, और भक्त बोली कोई,
इतना सत्सेवया दीर्घयापि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति त्वा मध्यमिदं लोकम् गन्ता मज्जनतामसि गन्ता मज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामतिः। माइक पे बोलो कोई। हित्वावद्यम इमं लोकम् हित्वावद्यम इमं लोकम् गन्ता मज्जनतामसि गन्ता मज्जनतामसि। तो देखिए शब्द अर्थ शब्दों का अर्थ सत सेवया अदीर्घयापि। दीर्घयापि नहीं है, संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अदीर्घयापि। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सत्सेवया, सत्सेवया मतलब परम सत्य की सेवा या भक्तों की सेवा के द्वारा। आपने सुना था नारद जी ने भक्तों की सेवा करी थी, कितने साल तक करी थी? 4 महीने करी, जानबूझ के इस प्रकार का प्रश्न किया गया। तो 4 महीने जो बहुत लंबा समय नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं सत्सेवया अदीर्घयापि। दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबा। और अदीर्घ मतलब जो लंबा नहीं है। तो यद्यपि आपने भक्तों की सेवा बहुत थोड़े समय तक के लिए की, ये लाइन क्लियर हो रही है पहली लाइन, जाता मई दृढ़ा मति, फिर भी आपकी मति मुझ में, मई मतलब मुझ में, भगवान कह रहे मुझ में दृढ़ हो गई है। तो ये नारद जी के विशेष गुण को कह रहे हैं। यद्यपि आपने आपको भक्तों की सेवा बहुत अधिक करने का मौका नहीं प्राप्त हुआ था, फिर भी आपकी मति मुझ में दृढ़ हो गई है। इस मति का प्रभाव क्या होगा? हित्वा, हित्वा मतलब त्याग कर, अवद्यम बहुत खराब, इमम लोकम, इमम लोकम के दो अर्थ हैं। इमम मतलब होता है ये, और लोकम का मतलब होगा ये शरीर, या लोकम का अर्थ हो गया ये भौतिक जगत। दो अर्थ हैं यहाँ पे, हित्वा अवद्यम इमम लोकम, इस लोक यानी कि इस भौतिक जगत या इस भौतिक शरीर को त्याग करके गंता अब जाएंगे मज्जनताम। मज्जनताम मतलब मेरी जनता, मतलब मेरे पार्षद असी बन जाओगे। समझ में आया शब्द पूरे श्लोक का अर्थ? आपने भक्तों की सेवा बहुत थोड़े समय कर पाए, उसके द्वारा ही, उस करने के बावजूद, बहुत थोड़े समय करने के बाद भी आपकी मुझ में मति एकदम दृढ़ हो गई है। इस कारण से आप इस अवैध शरीर, अवैध मतलब खराब शरीर, जैसे कि आगे आप सुनेंगे भक्ति भीष्मदेव कहते हैं आप में मेरी निर्वध्य मति लगे, निर्वध्य भक्ति, निर्वध्य समझ गए, श्रेष्ठ उत्कृष्ट। तो अवैध मतलब एकदम निकृष्ट। तो कह रहे हैं ये निकृष्ट जो शरीर है, भौतिक शरीर या भौतिक जगत, इसको त्याग करके आप मेरे पार्षद बन जाओगे। सोचिए भगवान अगर आपको ऐसा कहें तो। लेकिन तब कहेंगे जब हमारी मति भगवान में दृढ़ होगी। ये शब्द बहुत अच्छा है। भगवान में जो मति दृढ़ होती है उसका क्या प्रभाव है अगले श्लोक में सुनेंगे, बड़ा इंस्पिरेशनल है। पर अभी तो हम पहले इसका अनुवाद और अन्वय देखते हैं। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। यहां सत सेवा को प्रभुपाद जी परम सत्य की सेवा बता रहे हैं। तो क्या उन्होंने भगवान की सेवा करी कि भक्तों की सेवा करी? अब क्या दोनों में कोई भेद है? नहीं, समझ गए। तो या तो आप जो प्रकट देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? भक्तों की सेवा करें। लेकिन फिर वही श्लोक, इदम स्वनिगमम ब्रह्मन अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञान अमेश्वरम सुस्मिन भावम च केशव। जब भगवान केशव ने देखा कि मैं उनके अत्यंत गुह्य ज्ञान को अनुष्ठित कर रहा हूं, जिसे उन्हें कैसे प्राप्त हुआ था? भक्तों के द्वारा, ठीक है। तो वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना ज्ञान दिया, फिर ऐश्वर्य दिया और अपनी भक्ति दी। सिद्धि तो ऐश्वर्य में आ गया, ठीक है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो यानी परम सत्य की सेवा अर्थात भक्तों की सेवा, इसमें आप अलग नहीं देख सकते। भगवान के भक्तों से आप भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा है कि नहीं, और भक्तों की सेवा है कि नहीं? दोनों लोग प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक।
कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। इसका अर्थ समझते हैं, दृढ़ और अटल मतलब मति अब भगवान के अलावा कहीं नहीं जाती, भगवान में ही बार बार जाती है। भगवान की सेवा कैसे करें, भगवान का सुख विधान कैसे हो, भगवान को मैं कैसे और जान पाऊं, यही विधान, यही मति इसमें जाती है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। मुझे इस पे हंसी आ रही थी कि जिस वक्त को मैंने अनुवाद करने के बोला उसका, बार बार वो सहयोगी शब्द यूज कर रहे थे। सहयोगी शब्द नहीं है, मत जनता का अर्थ है पार्षद बन जाता है। सहयोगी जरूरी नहीं है कि आपका दास भी हो, सहयोगी हमेशा दास होता है, तो पार्षदत्व में दासत्व भी अभिहित होता है, इंक्लूडेड रहता है उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, नए ट्रांसलेटर है, ये बात ध्यान देनी होगी, पार्षदत्व को प्राप्त। ठीक है, अन्वय देख लें एक बार इसका, प्रभु जी ने ठीक बोल दिया तो हम करते हैं। अदीर्घया, अब दिख गया, पहले तो नहीं दिख रहा होगा, संस्कृत पढ़े हैं आप लोग कुछ कुछ, आयुष पांडे पढ़े हैं, आपने पढ़ी संस्कृत, तो आप तोड़ पा रहे हैं इसको। सेवया, सेवया में भी आ है और अदीर्घया में भी आ लगा हुआ है, आ, और दोनों को जोड़ देंगे तो केवल एक ही डंडी रह जाएगी, तो डंडी नहीं लगेंगी, इतना तो संधि पता है कि नहीं पता है। सेवया प्लस अदीर्घया विल नॉट बी टू डंडीज, एक ही डंडी बढ़ेगी। माय डियर डिवोटीज, कॉन्वेंट एजुकेटेड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लेकिन इतनी संधि तो समझ में आती होगी। दीदी याद है कुछ संस्कृत, सेवया प्लस अदीर्घया विल बी सेवया दीर्घयापी, आपको देख पा रहे हो उसको, तो नहीं तो आप ऐसे करते सेवया प्लस दीर्घयापी, अरे बहुत देर तक सेवा करने के बाद भी अंतर हो जाता ना अर्थ में। क्या आप लोगों को अदीर्घया दिख रहा है? ठीक है, अन्वय में नहीं, डायरेक्ट संस्कृत में दिख रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखिए ये नारद जी का गुणगान है कि नहीं, थोड़ा सा ही सेवा की है आप, लेकिन एकदम निश्चल भाव से सेवा की, इसलिए खूब कृपा प्राप्त हुई। अभी पहले भी देख चुके हैं कृपण हदीन वसला अनुवर्तनी शब्द सब आए थे। अदीर्घया मतलब कुछ दिनों तक ही, यानी कि चार महीने, यानी कि 4 × 3 = 20 कितना होता है, 240 दिन, 4 × 3 कितना होता है, 4 × 12। ठीक है, अब हर 9 का पढ़ा याद है बस, खाली 9 = 9, 9 × 2 = 18, 8 + 1 = 9, तो हर स्थिति में भगवान का भजन करना है, इसलिए 9 का पहाड़ा याद है, 4 का पहाड़ा भूल गए, तो ठीक है, तो 4 × 3 हो गया 120 दिन में वह भगवत प्रेम प्राप्त कर ली, काफी फास्ट था। सत सेवया अपि, परम सत्य की सेवा द्वारा भी, ते तुम्हारी और मति का मतलब है बुद्धि, मई अर्थात मुझ में और दृढ़ जाता मतलब दृढ़ता को प्राप्त हुई है। अतएव समझ में आ गया, जिसकी मति भगवान में लगी अब वह इस जगत का व्यक्ति नहीं है। ये समझ लीजिएगा, भक्त जगत, अरे हरे कृष्णा, हम तो अभी ध्यान दिया, वेलकम वेलकम, आप ही को देख रहा हूँ, आप ही आए साहब, थैंक यू। तो क्या बात कर रहा था, जिसकी मति भगवान में लगने लगी अब वो इस जगत का व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इसीलिए आप लोग को अपना परम सौभाग्य मानिए कि आपको भागवत सुनने की इच्छा होती है। पुण्यर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ, पुण्य के बिना तो श्रवण इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, श्रवण करने का सौभाग्य तो छोड़ दीजिए। आज आप सुभद्रा नहीं आई, क्या हुआ? ओ अच्छा, मुझे गायब हो गए, मैंने कहा घर में जूम पे सुन रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। किसी के हृदय में भागवत सुनने की इच्छा आने मात्र से भगवान उसके हृदय में ग्रसित होने लगते हैं, इतना शक्तिशाली साधन है श्रीमद् भागवत। तो आप ये कैसे समझ रहे हैं कि मति भगवान में ही जा रही है और कहीं नहीं जा रही है, निश्चित भगवान के पास पहुंचेंगे। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं मन मना भव मत भक्त। ये देखिए लोग कभी कभी बोलते हैं हम ये पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, हम लगा पढ़ कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता मुझे, तो बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन धीरे धीरे भागवत अपने आप को हृदय में एक्सपैंड करती चली जाएगी, फिर कोई अवकाश नहीं रहेगा कुछ पढ़ने के लिए। अवकाश का मतलब होता है गैप, गैप टाइम नहीं, गैप छुट्टी। अतएव, अतएव समझ पा रहे हैं, क्योंकि मति आपकी मुझ में लगी हुई है इसलिए अवध्यम अर्थात शोचनीय,
इमम मतलब इस और लोकम मतलब भौतिक जगत को, या फिर लोकम का अर्थ क्या बताया था, शरीर को। ये बात सोचिए ईमानदारी से, क्या हम वाकई अपने शरीर को अवध्य मानते हैं? अच्छा, शरीर अवध्य है कि नहीं? माने या ना माने, लेकिन आप देखिए कि शरीर के जो विभिन्न छिद्र हैं उनमें से एक भी छिद्र से अच्छी वस्तु बाहर नहीं निकलती। कान नाक इत्यादि कुछ भी ले लीजिए, और कहीं हमारे स्किन में कहीं कुछ पंचर हो जाए तो उससे भी खून इत्यादि बस क्या क्या निकलेगा। ऐसी बातें सुनने को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक शरीर क्या, और हम ये भी तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम देवताओं के शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक शरीर की तो आप कल्प छोड़ ही दीजिए। माया बड़ी प्रबल, इसलिए आप देख रहे हैं ना कि वो सुअर की योनि में था इंद्र, फिर भी कहता है वहां मल मिलेगा क्या? कथा होता है ना आपको, हमको वापस इंद्रलोक ले जाओगे, इतनी प्यारी प्यारी मेरी पत्नियां हैं सुअर नहीं, इतने प्यारे क्यूट बच्चे हैं, इनको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगा? फिर ब्रह्मा जी को वो सुअर सुवर्णी को तालाब में फेंकना पड़ा, तब जाकर के वो पता हुआ, कथा तो पता ही हो गया आपको। ये स्थिति माया की, यहां तक कि मैंने सुना है कि नरक में सजा मिलती है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की टांग खाऊंगा और वो मेरी टांग खाएगा, तो व्यक्ति ये नहीं देखा जा रहा है कि उसकी टांग खाई जा रही है, उसे लगता है यहाँ जीभ पे तो खाने का सुख मिल रहा है ना खाने का। ये माया की शक्ति है। और क्या आप देखते नहीं हमारे आपके जैसे ही जीव मल में भी पड़ा रहता है, अपने ही मल में पड़ा रहता है, गंदा सा पड़ा रहता है। ये स्थिति है जीव की, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अवध्य शोचनीय इस जगत। एक शब्द है, थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझ में आएगा। इसको त्याग कर मत जनताम गंतासी, किसको बोल रहे हैं? 5 साल के बच्चे को, साक्षात भगवान बोल रहे हैं। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो रोज सुबह 8 बजे तक सोएगा, दिन में 2 बार होटल में खाना खाएगा, वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। यही तो लिखा है ना। अरे ये कहा था प्रभु जी, पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब मैं आपकी इतनी कोई आज्ञा तो नहीं मानी है प्रभु जी, आपकी एक आज्ञा तो मैं जरूर मानूंगा, कैसे टाल सकता हूँ। कल से निश्चित मैं जो बगल वाला होटल है रेस्टोरेंट उसमें जरूर आके खाऊंगा, और अगर कुछ प्यास लगेगी तो पानी तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब वो शब्द हम नहीं यूज करना चाहते, क्या पीना चाहेगा? सोमरस जरूर पीऊंगा। गीता में भगवान में बोला है तो सोमरस पीने के लिए प्रयास करते हैं, तो मैं कोई प्रयास की जरूरत नहीं, बिना यज्ञ के सोमरस मिल रहा है। 16 माला का जप कम से कम और 4 नियमों का पालन, तो मत जनताम असी, मत जनताम गंता असी। बस एक बार बन जाए। इस पर छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा अच्छी लगेगी। मैं अवध्य के बारे में बोल रहा था कि एक बार जनक महाराज जी यज्ञ कर रहे थे और वशिष्ठ जी से करना चाहते थे, वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ कर दीजिए, तो वशिष्ठ जी को अधिक दान मिल रहा था इंद्र के पास, तो वहां चले गए। और फिर जब वो चले गए तो इस बीच में किसी और को बुला के वो यज्ञ करवा लिए। जब लौट के वशिष्ठ जी आए तो बड़ा क्रोधित हुए, कहते अरे तुम जरा रुक नहीं सके मेरे से, हमारे लिए तुरंत मर जाओ। तो कहते अरे आप इतने लोभी हो कि दान के लिए आप इंद्र के पास चले गए, आप भी मर जाओ। तो दोनों लोग मर गए। और उसके बाद निमि महाराज को फिर से बोला गया, फिर वशिष्ठ जी दोबारा जन्म लेते हैं किसी ऋषि की पत्नी के द्वारा, और निमि महाराज को कहा गया कि दोबारा जन्म शरीर धारण करेंगे। कहते ना ना ना, ये भौतिक शरीर बहुत कष्टकारक है, अब हम दोबारा जन्म इस तरह से नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आंखों के ऊपर हमारे निवास करते हैं, इसीलिए निमिष कहते हैं। निमिष समझ में आ रहा है, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई इज कॉल्ड निमिष। तो वो अंतर अनुभव कर रहे थे कि भौतिक शरीर में कोई सुख नहीं, केवल दुखी दुखी मात्र है। तो हम खाली अवध पे बोल रहे हैं कि शरीर बहुत खराब है, अभी भी विश्वास नहीं है तो गर्मी का मौसम अच्छा है, 3 दिन मत नहाइए तो समझ में आ जाएगा, और ब्रश भी मत कीजिए, फिर देखिएगा कौन आपके पास आना चाहता है। हाँ, एक टाइम में इतना शायद नहीं मालूम चलेगा, ज्यादा अनुभूति के लिए 3 दिन तो आवश्यक है, तो 3 दिन के लिए ऐसा कर सकते हैं। अभी हमारे भक्त बीमार हो गए थे तो कुछ तो उनको नहाने के लिए मना किया था, उनकी हालत खराब हो रही थी बिना नहाए। ठीक है, IIT में और बड़े महात्मा होते हैं, वहाँ लोग कॉम्पिटिशन करते हैं कौन कब तक नहीं नहाएगा। अच्छा अच्छा मैंने के रिकॉर्ड है, 1 सेमेस्टर पूरा निकाल दिए, पानी बचा रहे थे, पानी कम ना पड़ जाए इस कारण से 6 महीने तक नहाते नहीं। 56 दिन का रिकॉर्ड है आपके यहाँ, ठीक है, फिर भी कम है, 6 महीने से तो कम ही है। सारार्थ दर्शनी 1.6.3, अदीर्घयापी अर्थात अति अल्प काल के लिए भक्तों की सेवा करके,
अवध्य अर्थात यह निंद्य लोक जो संसारिक जनों का आवास है, इस त्रिभुवन का परित्याग करके। देखिए कहीं कहीं आपके मन में ये भावना आ जा रही होगी कि यह निंद्य लोक मतलब ही पृथ्वी लोक है ना, लेकिन देखिए और क्लियर कर रहे हैं, निंद्य लोक मतलब ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक या पाताल से लेकर ब्रह्म सभी निंद कह रहे हैं, ये अर्थ। देखिए उपनिषद में जहां तक समझ रहा हूँ छांदोग उपनिषद में हम एक बार हल्का सी रीडिंग कर रहे थे, उसको पंकजांगिरी प्रभु पर रेफर किए थे, तो वो उसका रेफरेंस मुझे किसी उपनिषद में मिला था, जहां तक स्मरण आ रहा था छांदोग उपनिषद में, वहां पे आनंद की विवेचना की जा रही। तो कह रहे हैं कि इंसानों के आनंद से कहीं 100 गुना कितने हजार गुना अधिक देवताओं का आनंद है, और वो बड़े कहते हैं क्या ये इंसान एकदम छोटे तुच्छ भोगों में पड़े हुए हैं, और देवताओं के आनंद से अधिक ऊपर के, उससे जो ऊपर के लोग है उसका आनंद है, और फिर उससे अधिक कहीं अधिक ब्रह्मलोक का आनंद, ऐसे करके ग्रेजुएशन। और ब्रह्मलोक के लोगों को भी वैकुंठ के वासी देखकर कहते हैं कितने दुख में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पूरे तीनों जगत में ऐसा, पूरे तीनों जगत को वो शोचनीय कह रहे हैं। इसीलिए आगे भागवत में लिखा है कि जो शुद्ध भक्त है उसको तीनों भुवन का राज्य दे दिया जाए, कहे तुम बस आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तो कहते हैं ना मैं नहीं भूल सकता, इतना सुख है भगवान की भक्ति में। तो ये बड़ा सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे कि ये जगत एक जेंटलमैन के लिए नहीं है, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस अवध्य यानी त्रिभुवन को त्याग करके तुम मज जनताम अर्थात मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करोगे। क्या इस हिंदी को समझ रहे हैं, पार्षदत्व पार्षद होने के गुण को प्राप्त करोगे, मतलब मेरे पार्षद बन जाओगे, कहने का बाल प्रबोधनी। अभी थोड़ा और बातें क्लियर कर रहे हैं। साधन में आप निष्पन्न नहीं है, निष्पन्न का मतलब है सुसंपन्न है, साधन आपने पर्याप्त मात्रा में किया ही है, परंतु प्रारब्ध मात्र प्रतिबंधक है, इसलिए उसको भोगने के लिए के द्वारा क्षीण होने पर देहपात होने के बाद तुम मेरे सेवक बन जाओगे, तब तुमको मेरा दर्शन सुलभ होगा, इसे कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। क्या अर्थ है इसका, देखिए ये जो शरीर है वो तब तक रहता है जब तक कि प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म समाप्त तो शरीर छूट जाता है। तो कह रहे हैं कि नारद जी आप में कोई कमी नहीं है, आपका साधन पूर्ण हो चुका है, लेकिन जब तक आपका ये प्रारब्ध है तब तक ये शरीर रहेगा। ये एक यथाश्रुत अर्थ है इस टीका का, अब इसको और हम समझाने का प्रयास करेंगे। जब तुम्हारा जो भी देह के संबंध सुख दुख है उसको भोग लोगे, देह समाप्त हो जाएगा, तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, क्या दिक्कत है, भले ही तुम इस जीवन में केवल एक ही बार दर्शन कर पा रहे हो, लेकिन जब मेरे पार्षद बन जाओगे तो हमेशा दर्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक प्रश्न आपके बनेगा मन में कि क्या जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है उसका भी प्रारब्ध रहता है। आप तो कह रहे हो कि एक ही नाम से सारे प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं, तो ये बात कैसे कह रहे हैं कीर्तनलाल जी। देखिए प्रारब्ध नहीं रहता है, प्रारब्ध जैसा रहता है, कुछ समझ पा रहे हैं। जैसे अब इसको एक्सपेरिमेंट, मेरे पास तो खैर सर वो रेशम के कपड़े हमारे पास नहीं होते हैं, हमारे पास तो कॉटन है तो उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन रेशम के कपड़े को अगर आप जला देते हैं तो उसके जो धागे हैं उस वो एक संस्कार के रूप में रह जाते हैं, संस्कार नहीं कहना चाहिए। ये सुना है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, इसका अर्थ समझते हैं, रस्सी जला देंगे उसके जो बल बल जो कैसे घूमते रहते हैं ना, डिजाइन रहती है वो बनी रहती है, हाँ वो स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। ये बहुत गुह्य बात है, कई बार इसको आचार्यों ने बताया है। दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, सारे कर्म नष्ट जाते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है हृदय में भगवत प्रेम की स्थिति में, तो फिर शरीर कैसे रहता है, भगवत इच्छा से, भगवत इच्छा से शरीर भक्त का रहता है कुछ समय तक, ताकि अन्य मतों का पूरी तरह से खंडन ना हो। जो लोग छठे स्कंद के जो श्लोक की व्याख्या सुने हैं वो समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। कुछ समय तक भक्त का शरीर भगवत इच्छा से जगत में चलता है, वो कर्मानुसार नहीं है, लेकिन एक यथाश मतलब एक बाह्य रूप से इस बात को गिरधराज जी बोले, प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, तुम देह त्याग करके मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त समुच्चते। जो व्यक्ति मन से वचन से कर्म से भगवान की ही सेवा कर रहा है, और सेवा तो छोड़ दीजिए, सेवा करने की केवल इच्छा कर रहा है, वह नित्य ही मुक्त है, वह जीवन मुक्त कहलाता है, वो प्रारब्ध कर्म के बंधन में नहीं होता है। और 5:35 में भी आपने सुना था,
विदुर विगतः सकृदाद अदित एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है और वह वर्णाश्रम के बाहर भी क्यों ना हो, चंडाल भी क्यों ना हो, वह भी कर्म बंधन के बाहर चला जाता है। तो इसलिए इसका अर्थ समझना चाहिए टीका का, मतलब केवल एक बाह्य रूप से बात बोली जा रही है। नारद जी प्रारब्ध के बंधन में नहीं है, लेकिन एक देह चलने के लिए बोलना कि हाँ प्रारब्ध समाप्त होगा, देह छूट जाएगी, फिर हमें मेरे को प्राप्त हो जाओ। ये समझ पा रहे हैं इस टीका को? अदीर्घयापि अर्थात अल्पकालिक भक्तों की सेवा के द्वारा तुम्हारी मुझ में दृढ़ वृत्ति वर्तमान है, इसलिए यह दृश्यमान अवध्य, दृश्यमान जो तुमको शरीर दिख रहा है अर्थात मांस आदि से बना हुआ। देखिए अब अवध्य उधर अवध्य की क्या व्याख्या हुई थी, निकृष्ट दृश्यमान त्रिभुवन जगत, पूरे जगत को बोल दिया। अब यहां अवध्य की व्याख्या क्या कर रहे हैं, मांस आदि से बना हुआ। हम सभी के शरीर इसी से बने हुए हैं कि नहीं? तभी तो बहुत सारे भक्त मंगल आरती में जप में नहीं आ पाते, क्योंकि अवध्य शरीर है। ऐसा तो नहीं कि भगवत पार्षद का शरीर है, मंगल आरती नहीं, उठेंगे तो आंख में कीचड़ होगा, थोड़ा साफ अप करके देखा आज तो हेडेक है, आज व्हाटएवर ये परेशानी है वो परेशानी, फिर फोन करना पड़ता है। और बहुत बार डॉक्टर भी है वो भी नहीं आ पाते, ऐसा नहीं कि डॉक्टर तो बीमार नहीं होगी, वही बोलता है अरे हमारे बीमारी हो गई, तीन दिन नहीं आ पाए, चार दिन नहीं आ पाए, ऐसे होता है। इज इट नॉट, मेरा गला ही खराब हो रखा है, क्या कर सकते हैं, अवध्य शरीर, इंजन खराब हो जाता है कभी। मांस आदि से बना हुआ और कर्म काल आदि के वश, तो समझ लेना होगा कि इधर इसको अवध्य कह रहे हैं तो भगवान का पार्षद का शरीर मांस आदि से क्रॉस नहीं बना है, कर्म और काल के वश नहीं है। एक एक शब्द विचार करेंगे तो इतना बातें खुलती हैं। अभी तो हम पहले श्लोक लेते हैं, दूसरा तो अभी आया ही नहीं है। समझ रहे हैं अवध्य कर, कुछ भी उसमें है नहीं है, खराब नहीं है, और हमारे इसमें केवल जड़ ही जड़ है और अंश आत्मा का बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, कभी ये भी ना हो तो आज रात में सो देने से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप मर गए हैं और चिता पे लिटाया गया आपको, आपको मतलब आपको शरीर को, कोई नहीं सोचना चाहेगा ना। इसलिए मैं एक बार मजाक कर रहा था जपा टॉक में कि अगर वाकई मान रहे हैं ये शरीर अवध्य है तो लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, लेकिन लिपस्टिक लगाएंगे। तो जी क्या बातें बोल रहे हैं आप, एक बात बोलो तो लिपस्टिक नहीं लगाने के लिए बोली, लिपस्टिक लगाने के लिए बोली, दोनों चीज करनी है, लिपस्टिक नहीं लगानी है और लिपस्टिक लगानी है। लिपस्टिक कौन सी नहीं लगानी, जो आजकल अवध्य लिपस्टिक होती है, अवध्य मतलब गंदी होती है, पता नहीं क्या क्या केमिकल पड़ रहते हैं, और मैंने सुना है शायद नॉन वेज चीजें पड़ी रहती है, वो सब नहीं लगाना है। लेकिन कौन सी लिप में स्टिक करने वाली चीज लगाई है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये आपके लिप से स्टिकी हो जाना चाहिए। जीवनम भूषणम में है कि नहीं, यही मेरा आभूषण, इससे भक्त खुशी तो खुश रहते। कान में हरि नाम कथा हो, हरि नाम हो, हरि कथा हो, और मुख से हरे कृष्ण मंत्र हो, हरि कथा निकले, ये आभूषण है, इससे हम सुखी रहते। ध्यान दीजिएगा कि किसी इंसान को देख कर देवता प्रसन्न नहीं होते, कोई उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, बल्कि महाराज दास बोल रहे थे कि देवता भगवान सुर सुंदर हैं, देवताओं में भी सुंदर हैं, लेकिन देवता लोग इंसान को क्या बोलते हैं, अरे सुअर जैसा दिख रहा है, एकदम ऐसा बोल, सुअर जैसा दिख रहा है, कितने कुरूप है ये लोग, ऐसा करके देवता बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसकी महिमा देवलोक में भी गाई जाती है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब भागवत प्रहलाद महाराज के बारे में तो है ही, ध्रुव महाराज के बारे में है, बृहत भागवतामृत में एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन रहा, सारे देवता उसको नमस्कार कर, हम सुने तो उस दिन क्लास में ध्रुव महाराज भगवान के पास जा रहे हैं, देवता लोग फूल मार रहे हैं, मार नहीं रहे हैं मतलब फूल बरसा रहे फूल बरसा रहे हैं। तो भक्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि जब हम उसमें शास्त्र में वर्णन है, आप कूदते हैं ऐसे हाथ ऊपर करके और नीचे धम से गिरते हैं, तो ऊपर करके उछलते हैं तो ऊपर के लोग पवित्र, और नीचे कूदते हैं तो नीचे के लोग पवित्र, तो हम कितने पवित्र हो जाएंगे बताइए। संकीर्तन आंदोलन बड़ा योग्य बना देता है। ठीक है, तो अवध्य के तीन क्या लक्षण देख रहे हैं, एक तो मांस आदि से बना है, निकृष्ट वस्तुओं से बना है, दूसरा कर्म के वश में है और काल के वश में। कर्म के वश में समझ में आ रहा है, जैसे आप सोच सकते हो कि आपकी नाक वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है,
अब समझ में आ गया, आंखें नाक कान जो कुछ भी वो ऐसा क्यों दिखता है जैसे वो है, इसका हमने पेमेंट किया है, पेमेंट देख करके ये हमें शरीर प्राप्त हुआ है। उसमें कोई आपका कंट्रोल नहीं है कि काला है कि गोरा है, शरीर की दृष्टि से बुद्धि किसी की तेज है किसी कम है, अब समझ में आए। और निंद लोकम अर्थात देह, यहां लोक का अर्थ वह देह कर रहे हैं, उसको त्याग कर मत जनताम अर्थात मेरे भृत बनोगे। तो यहाँ पे पार्षद के संग एक शब्द और जोड़ रहे हैं, भृत मतलब सेवक बन जाओगे। सेवक बनेंगे, इतनी तपस्या करके सेवक, दास, वो भी नित्य दास, यानी कभी भी मुझे बॉस बनने का मौका नहीं प्राप्त हो, बॉस इज ऑलवेज कृष्णा। लेकिन समझिए भगवान की सेवा करके जो सेवा भावना है ना, प्रेम भावना, उससे जितना भगवान को सुख प्राप्त नहीं होता उससे अधिक सुख भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो अपनी सुंदरता को देख के उतना सुखी नहीं होता, अन्य लोग उसकी सुंदरता को देख के सुखी होते हैं। गलत तो नहीं कह रहे, ये आप अद्वैत आचार्य जी की महिमा में खूब सुन चुके हैं कि भगवान का दासत्व तो इतना श्रेष्ठ है कि भगवान विष्णु भी इसकी प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान का दासत्व प्राप्त हो, क्योंकि जो सुख है वो भगवत स्वरूप में भी नहीं उपलब्ध है, जो भगवान के में भी सुख नहीं है वो उनकी सेवा में सुख है। बड़ा अजीब सी बात लगती है। इसीलिए तो श्रीमद चेतन महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद चेतन महाप्रभु के रूप में आए अपनी भक्ति के सुख को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि भक्ति का आधार भगवान नहीं, भक्ति का आधार भक्त है, इसलिए भक्त बन के आए। तो इसलिए भृत्य बनना बहुत बड़ी बात। अवध्य देह को त्याग कर इस पद से भगवत पार्षद देह की अप्राकृतता और कर्म अनाधीनता सूचित होती है। ये अवध्य देह त्यागोगे तो उसके और मेरे पार्षद बनोगे का मतलब क्या हुआ कि भगवान का जो पार्षद का देह है वो अप्राकृत है, उसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण बिल्कुल भी नहीं। इसे यहां मौका देकर के मैं बोल दे रहा हूं, आयुष प्रभु का प्रश्न था शुद्ध सत्व क्या होता है। तो देखिए जैसे आप इस जगत में कोई भी वस्तु बनती है तो उसके तीन इंग्रेडिएंट हैं, क्या हैं, सतगुण रजगुण और तमगुण। उसी प्रकार से उसी प्रकार मतलब मैपिंग कर लीजिए कि आध्यात्मिक जगत में जो भी वस्तु है वह शुद्ध सत्व का प्रकाश है। भगवान के पार्षद सभी कुछ, भगवान के लोग इत्यादि सब कुछ शुद्ध सत्व का प्रकाश है, उसमें रजगुण तमगुण सतगुण कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग वस्तु है। कुछ समझ रहे हैं, उसी प्रकार का देह तुमको प्राप्त होगा, ये कह रहे। और कर्म अनाधीनता मतलब नारद जी बन गए तो नारद जी बन गए, अब कर्म के अधीन होकर के बार बार जन्म तुमको नहीं लेना पड़ेगा। इस पे भी हम थोड़ा सा मनन करें, हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और ये कभी नहीं सोचते कि इस कर्म के अनुसार हमारा कैसा बिल लगेगा और कैसा शरीर प्राप्त होगा। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा कि भक्त लोग तो भजन करते हैं, लेकिन जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं वह ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हो सकता है कि कल एक कुत्ते या एक गधे के द्वारा भी वो जन्म दे लें, केवल कल ही है कि नहीं। ये प्रभुपाद जी के शब्द है, दे डोंट नो दैट टुमारो दे मे बी बॉर्न फ्रॉम द वूम ऑफ अ शी डॉग और वट एवर एन एनिमल और एनी अदर एनिमल, या मच्छर ही बन सकते हैं। आज सुबह बात हुई, देखिए हरे कृष्णा बोल बोल के मच्छरों को मार सकते हैं क्या? कॉकरोच मार सकते हैं क्या? हाँ ना भाई ना, सुना वो सब कॉकरोच मिल करके फिर मारेंगे आपको। इस प्रकार से कृपा मत कीजिए, क्योंकि अंतकाल च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सास्त्रों के अंतकाल च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सयाति परमम गतिम, क्या है श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति तजन देहम सयाति परमम गतिम। कुछ भी मार दीजिए ऐसा नहीं होता। तो देखो कॉकरोच को मार रही हूँ और हरे कृष्णा बोल रही हूँ, हरे कृष्णा सुनेगा और वो है भगवान की प्राप्ति कर लेगा। कितनी सुंदर, कितने कृपालु वैष्णव है। लेकिन नहीं, इस प्रकार से नहीं, उसको अपने कर्मानुसार आगे बढ़ने दीजिए। हरे कृष्णा सुना सकते हैं कॉकरोच को, लेकिन मारने का अधिकार नहीं। तात्पर्य परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। ये लाइन आपको समझाने के पहले, मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ इस बारे में कि मान लीजिए ये मेरा चश्मा है, तो चश्मा मेरे और सामने जो दृश्य है उसके बीच में आ रहा है, लेकिन उस दृश्य की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, ढकने के लिए नहीं,
समझ में आ गया। तो गुरु शिष्य के संबंध के बीच में नहीं आते हैं, जो उसका भगवान से संबंध है, नित्य संबंध, उसको वो एनहांस करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे केमिकल रिएक्शन, हाँ कैटलिस्ट का काम करते हैं। यस, कौन कौन लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं? हाँ ठीक है, बाकी लोग नहीं पढ़े हैं तो कैसे समझेंगे बेचारे। चलो फिर कल से केमिस्ट्री का कोर्स करता हूँ, फिर समझ में आएगी बात। केमिस्ट्री को जो व्यक्ति समझता है वो समझता है कैटलिस्ट को, और क्या कहेंगे। करना मित्र लोग, हाँ कह सकते हैं प्रेरक कह लीजिए। कुछ चीज करने से वो क्रिया बढ़ जाती है, एक्टिवेशन, एक्टिवेटिंग एजेंट कह सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। तो गुरु जो है वह शिष्य को सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान का भजन करे ताकि उसका प्रेम भगवान से जल्दी बढ़ जाए, ये बात बोल रहा है। नहीं तो हमको समझ में नहीं आता, नहीं तो प्राय क्या बोलेंगे, मानव सेवा माधव सेवा। मानव सेवा से माधव सेवा नहीं होती है, दरिद्र नारायण सेवा। मूर्ख विद्वान को ज्ञान देना, क्या कहना चाहते हैं? मूर्ख कह रहे हो, विद्वान कह रहे हो, तो इस प्रकार के लोग धारणा कर लेते हैं कि नहीं, लेकिन क्या उसे भगवान की सेवा हुई? नहीं। इसीलिए प्रामाणिक वैष्णव की सेवा के द्वारा उनके मार्गदर्शन में व्यक्ति जब भजन करता है तो भगवान की सेवा होती है। याद आ रहा आप लोगों को वो सब हम श्लोक चर्चा कर रहे थे, इति मूर्ति अभिधाने ना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनो पुमान। तो वहां पे टीका में बोला गया था कि व्यासदेव जी कह रहे हमको भी तो मंत्र बताइए, उसके पहले वाले में एक्चुअली, ओम नमो भगवते तुज्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो बोल रहे कि गुरु को ये बात बताते हैं तो व्यासदेव जी के कौन सा मंत्र बोले थे आप, हमको भी बताइए। तो नारद जी वो मंत्र बता रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र हम अपने मन से तो नहीं छापे हैं, तो ये परंपरा में प्राप्त है। तो गुरु वैष्णव बताते हैं कौन सा मंत्र जपोगे जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, ठीक है। कुछ लोग अपने मन से ही मंत्र बना लेते हैं, जपो निताई गौर राधे श्याम, नहीं भजो जपो भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, ये मंत्र कौन से उपनिषद में है बताइए। और इसके पता सिद्धांत क्या है, सिद्धांत उनका सिद्धांत क्या है, जपो निताई गौर राधे श्याम, सॉरी भजो निताई गौर राधे श्याम, जब तुम्हें गाना है तो बोलो निताई गौर राधे श्याम, और तुमको जब जप करना है मन में तो बोलो जपो हरे कृष्ण हरे राम। ये इस प्रकार की फॉल्टी पॉलिसीज मंत्र बना लेते हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भले भगवान का नाम है लेकिन मंत्र वही बोलना चाहिए जो परंपरा में प्राप्त है। ये हम एक जगह अन्यत्र भी बोल रहे, आनंद संहिता में लिखा है कि हरे कृष्ण मंत्र छोड़ के कोई अपने मन से कोई मंत्र बना लेता है तो वो महामंत्र नहीं, उससे उद्धार नहीं होता है। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती, अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कोई नया व्यक्ति आएगा तो कहेगा क्या ही मूर्ति है, लेकिन गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में वो सुनता है नहीं, ये साक्षात भगवान है, और उस श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की सेवा करता है। कुछ समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति है कहेगा हरे कृष्ण, अरे हरे कृष्ण साक्षात भगवान है बेटा, बड़ी गंभीरता से माला करो, ठीक। तो उसको शुरुआत में समझ में नहीं आ रहा कि भगवान है, लेकिन जब वो भक्तों से सुनता है तो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर वे भगवान की सेवा करता है। अब कहेगा भागवत तो उसको नहीं दिख रही भगवान है, लेकिन गुरु वैष्णव से श्रवण करके समझता नहीं भगवान है, बड़ी गंभीरता से भागवत का श्रवण करता है। अंतर समझ में आ रहा है? इस इज कॉल्ड आरोपित श्रद्धा, आरोपित श्रद्धा है नहीं लेकिन उस पर आरोपित की श्रद्धा है, शास्त्र के द्वारा सुन करके श्रद्धा से युक्त होकर के भजन करता है, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं इस तरह के। और आपने सुना था जितना गुरु के माध्यम से व्यक्ति सेवा करता है उतनी मात्रा में भगवान उसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित करते हैं, ये प्रभुपाद जी बता चुके हैं। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नव दीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा, संदेह है। क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। शुरुआत में देखिए प्रारंभ में ये काफी समय तक ये संदेह बना रहता है कि ये केवल हरे कृष्णा, ये केवल भागवत श्रवण, ये प्रसाद खाने से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ये विश्वास शुरुआत में होता नहीं है। इसीलिए लोग अपनी सारी शक्ति को साधना में नहीं लगाते। अब आज ही की बात लीजिए, पता नहीं वो ड्यूटी आज आई कि नहीं, मुझे फ़ोन किए कि पहले वो क्लास में आते थे, आती थी कहना चाहिए,
और भक्ति भी ठीक से कर रही थी, सुबह जप भी कर रही थी। फिर एक दिन बोला प्रभु जी हम अभी यहाँ नहीं, दूसरे ग्रुप में हम ज्वाइन करें। ठीक कर लीजिए। आज फोन आया कि एक महीने से जप ही नहीं किया। फिर आप जानते होंगे मैंने कितना प्रेम दिया होगा उनको, समझ रहे हैं? चिली सॉस की टमाटो सॉस बताओ, चिली सॉस। अभी तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि आए कि नहीं, पता नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आपको पास बुद्धि नहीं है, आप दूसरों को काउंसिल कर रही हैं या जो भी कुछ बन रही काउंसलर बनने घूम रही हो, तुम एक माला खुद नहीं कर पा रही, खुद ही डिप्रेशन में, दूसरे को क्या उठाओगी? मैंने कहा सारी सेवाएं बंद करके अपना भजन पारे करो। अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ, सर्वोत्कृष्ट कृपा ये है कि हम अपना उद्धार करें। अब खुद ही गड्ढे में गिरे रहेंगे, दूसरे को क्या उठाएंगे बताइए? समझ रहे हैं? अपना साधना बहुत अच्छे से करेंगे तब आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, इज इट नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम खाली बोल रहे थे कि लोगों को विश्वास नहीं होता, इसीलिए बारंबार श्रवण करने की जरूरत है, तब व्यक्ति उत्साहित होकर के साधन को करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम शाम की क्लास में जरूर आइए, ताकि सुबह के लिए आपकी अलाइनमेंट हो जाए कि हाँ भाई मुझे सुबह जप करना है, भक्ति करनी। नहीं सुनेंगे तो लगेगा, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये शरीर ही है बहुत बड़ी, अवध्य लोकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये श्लोक देखिए। अब एक प्रश्न था कि अगर आप लोगों को वो चार प्रश्न याद हों व्यासदेव जी के, एक प्रश्न ये था कि काल के प्रभाव से तो देवताओं को भी और मुनियों की भी पिछले जन्म की स्मृति टूट जाती है, याद आ रहा है? प्रश्न था आप लोगों की मति इंटैक्ट बनी है उन प्रश्नों के लिए? इसी जन्म में प्रश्न सुने थे ना आपने, इसी अध्याय के तहत सुना था, चार श्लोक में सुने, इसी जन्म में सुने थे ना? ठीक है। तो कह रहे हैं व्यासदेव जी ने प्रश्न किया कि पिछले जन्म की पिछले जन्म की आपकी स्मृति, वो भी कब की? ब्रह्मा जी की पिछले जन्म की, वो पिछले दिन की, क्षमा कीजिएगा। तो कैसे आपकी बनी रही? तो उसका उत्तर में यह प्रश्न, इस प्रश्न के उत्तर में यह श्लोक बोल रहे हैं। मुझे इस पे हंसी आ रही है, बता रहे थे कि भक्त एक भक्ति शास्त्री में एक प्रश्न किया कि गुरु परंपरा का क्या फायदा होता है। भक्त लिखा गुरु परंपरा से हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद आ जाती है। ओ क्या सुन रहा था वो, उसने क्या क्लास सुना, ये तो बड़ा संदेहास्पद है। खैर चलो, वो तो मजाक की बात हुई, मैं तो हंस रहा था। इसमें कितने उत्तर, कितने नंबर दिए जाएंगे? माइनस में हो जाएगा कि तुम सुन क्या रहे थे। कोई बात नहीं, होता है। तो अब उत्तर समझ रहे हैं कि क्यों आपकी मति नष्ट नहीं हुई, ये व्यासदेव जी का प्रश्न था। उसके उत्तर में नारद जी ये बात बोल रहे हैं, किस वजह से उनकी मति नहीं नष्ट हुई, वो बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मतिर्मयि निबद्धेयम् ना विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् ना विपद्येत कर्हि चेत् प्रजा सर्ग निरोधेपि मदनुग्रहात्। मति मतलब बताइए बुद्धि, ठीक, और मई मतलब मुझ में। मति मई निबद्धे अयम, अयम मतलब ये बुद्धि, निबद्धेयम जो मति मुझ में निबद्ध कर ली जाती है। अयम नहीं शब्द है, मतिर मति निबद्धेयम, जो मति मुझ में निबद्ध बांध दी जाती, लग जाती है। अभी पिछले श्लोक में क्या बोलता, बोला जाता दृढ़ मति, आपकी मति मुझ में दृढ़ हो गई है। अब क्या कह रहे हैं कि जो मति मुझ में निबद्ध हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, ना विपद्येत कर्हिचित, कर्हिचित मतलब कभी भी, उसका नाश कभी भी नहीं होता है। पहली लाइन क्लियर हो रही है? कब नहीं, उसको और क्लियर कर रहे हैं, कब नहीं होता है? तो कह रहे हैं प्रजासर्ग निरोधेपि, प्रजासर्ग मतलब जनता की या जीवों की सृष्टि के समय में भी, निरोधेपि अर्थात उनके प्रलय के समय भी, या प्रजासर्ग निरोधेपि मतलब जो ये जगत की सृष्टि हो गई है उसके प्रलय के बाद भी, उसकी
मति कभी नष्ट नहीं होती, और मति क्या स्मृति भी नष्ट नहीं होती है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। मान लीजिए मैं पिछले जन्म में भक्त था, मैं था और आप सब लोग थे, ठीक है, यानी कि आपकी मति कुछ कुछ भगवान में लगी थी। पिछले जन्म में क्या थे? आयुष प्रभु आपके पति कैसे हैं पिछले जन्म के? प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, जान दे रहे मैं कितना प्यारा हैंडसम बच्चा हूं। हाँ इस जन्म में, अब ये कैसे कह सकते हैं कि आप पिछले जन्म में स्त्री नहीं थे? इतना कह सकते हैं कि आपने या तो बेटे का या पति का स्मरण किया, क्योंकि पुरुष शरीर प्राप्त है, लेकिन ये कुछ नहीं कह सकते कि स्त्री हैं या पुरुष हैं, थे पिछले जन्म। ये भी नहीं कह सकते कि जानवर थे, लेकिन इतनी जानवर तो नहीं रहे होंगे, सब भक्त होंगे। कुछ अंतर समझ रहे हैं। मति भगवान में पहले लगी तो अगले जन्म में फिर से मति लगेगी, ठीक है, लेकिन स्मृति याद रहे जरूरी नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? ये तो नहीं याद रहेगा ना कि पिछले जन्म में हम क्या भक्ति कर रहे थे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है भाइयों? माता जी मति एंड स्मृति। प्रभु जी इतना क्यों आप बाल की खाल उखाड़ रहे हैं? हम सर पे बाल नहीं रखे तो क्या शास्त्र की बाल की खाल ना उखाड़े? इसीलिए ताकि कोई टेंशन ना रहे, हम लोग ज्यादा अपने शरीर की नीड्स को बढ़ाते नहीं, ताकि शास्त्र को समझ सके। मति स्मृति में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? मति मतलब भगवान का इंक्लिनेशन, भगवान के प्रति इंक्लिनेशन, बुद्धि पिछले जन्म में रही है तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को पिछले जन्म की स्मृति भी रहे कि मैं क्या भजन कर रहा था, लेकिन वो आकर्षण हो रहा है भक्ति के प्रति, मेक सेंस। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, मति और स्मृति दोनों तुम्हें स्मरण रहेगा। तो ये विशेष अनुग्रह कैसे? मद अनुग्रहात मति स्मृतिश्च। कुछ पकड़ रहे हैं? मति और स्मृति नष्ट नहीं होगी प्रलय होने के बाद भी, और क्यों नहीं होगी बताइए? मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, मेरे मतलब भगवान के अनुग्रह से, स्पष्ट है। इससे आप लोगों को क्या लग रहा है? एक पॉइंट प्रेरणा का लग रहा है कुछ यहाँ पे? क्या प्रेरणा का पॉइंट लग रहा है? कि भगवान में हमें अपनी मति लगा ली है। ये केवल नारद जी पे घटित नहीं होगा, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, उनके बारे में मैंने सुना कि जो है गांव में भी थे, इस कौंस के संपर्क में भी नहीं थे। मुझे नहीं पता कि उन्हें हरे कृष्ण मंत्र कैसे पता था। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि नवी क्लास में थे और उस समय छत पे बच्चे लोग सोते ना गांव में, छत पे सोते, और वह हरे कृष्ण मंत्र आंख बंद करके जप कर रहे थे और रो रहे थे आंसुओं से। तो उनके पिताजी जो है घबरा गए, क्या हो गया, कोई दुख है तुमको कुछ? वो लोग कौन सी भोजपुरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे कुछ था कौन? दिक्कत बात नहीं, कुछ और बोले थे, बड़ा अच्छी भोजपुरी थी, तो दिक्कत बात नहीं बोले, तो बिहारी तो समझ में आ रही, कोई बिहार का नहीं यहाँ पे, भोजपुरी नहीं आता किसी को, आपको आता है? क्या बोलेंगे, कुछ दिक्कत है को क्या बोलेंगे? हाँ मैथिली क्या बोलेंगे? नहीं दिक्कत क्या है तो नहीं, आप बताइए का होइल। हाँ चलो जो भी रहा हो, दोनों समझ में नहीं, ये बच्चा रो क्यों रहा है अकस्मात? नहीं भाई तो आप ये समान भाषा में बोलेंगे, कुछ तो बोले थे महाराज जी, तो वो कुछ बोले नहीं महाराज जी उस समय, या वो उनको पढ़ने के लिए भेजते तो भागवत पढ़ने के लिए निकल जाते। ब्राह्मण किन से सीखते थे मुझे याद नहीं, आपको पता है? हाँ किसी पंडित के यहाँ पे जाकर, पंडित जी के यहाँ जाकर सीखते थे, पढ़ते थे। हाँ कुछ जोगी बाबा थे उनके पास सीखते थे, और 11 बजे तक, मैंने सुना 11 बजे से पहले घर वापस नहीं आते थे कि जब तक अध्याय पूरा याद ना हो भागवत को। तो ये सब मति कहाँ से आ रही है? ये पहले का अभ्यास है, इसीलिए वापस उनको याद आया। महाराज से पूछा जाए आप पिछले जन्म में क्या है, हमको पता नहीं। महाराज को पता है कि नहीं पता, हो सकता पता भी हो, हमको नहीं पता, लेकिन महाराज तो ये कहेंगे हमको कुछ पता नहीं पिछले जन्म में क्या, लेकिन इस जन्म में देख रहे हैं कि मति भगवान में लग रही है। इसलिए ये जो श्लोक से हम बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ले रहे हैं कि भगवान में आप लोगों की जो मति लग रही है कि भागवत पढ़ें, भागवत सुने, बहुत अच्छा है और इसको बढ़ाना चाहिए। इस जन्म में हम मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अगले जन्म में भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, ये तो कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। तो वहां बहुत एनर्जी ना लगाकर भगवान के शब्द, भगवान के नाम जब, भगवान की भक्ति में मति लगाना ही बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। ये मुझे बहुत अच्छा बात इस श्लोक से लगी थी, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ सहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो मति स्मृति की व्याख्या भी मैंने कर दी, और भगवान के अनुग्रह से होता है। अन्वय देखिए,
मई अर्थात मेरी भक्ति में, निबद्धा अर्थात लगी हुई, इयम यह जो तुम्हारी, अयम नहीं था वो मुझे छंदे वरत, अयम नहीं था इयम है, इयम मतलब यह जो तुम्हारी मति अर्थात बुद्धि है, वह करिचित किसी भी समय में न विपद्येत, अलग नहीं होगी। अलग नहीं होगी मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारी मति कहीं और लगेगी। मति का मतलब समझ रहे हैं, जिसको आप अच्छा मानते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आप सभी लोगों के हृदय में है कि भागवत अच्छी चीज है कि नहीं, तो ये मति है आपकी कि भागवती मति, हमारी भागवत बहुत अच्छी है, जब बहुत अच्छा है, भगवान की सेवा बहुत अच्छी। महाराज पे कह रहे थे कि बहुत बड़ा कोई महात्मा है, उसको समझ में आएगा भगवान विष्णु की महिमा कि मैं उनका भजन करूं, नहीं तो बहुतों को तो समझ ही नहीं आता है कि भजनीय भगवान विष्णु कैसे हो गए। भजन कर रहा है वो तो आगे की बात छोड़िए, यही नहीं समझ में आता है कि विष्णु भजनीय है, उनका भजन करना चाहिए यह भी नहीं समझ में आता। बहुत बार तो घर में निराकार ही कर देते हैं, और या फिर किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी बाबा की शरण हो जाते हैं। हाँ, मुझे जैसे मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, तो हमारे पिताजी है बोले साईं बाबा की पूजा करो तुम्हारा आईटी में हो जाएगा, तो हम भी चालू हो गए, ओम साईं राम, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः, ओम साईं नमः। तो साईं बाबा से तो ना प्रेम था, तो हमें तो अपना गाजर दिख रही थी आईटी की, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि 15 दिन के ही अंदर भक्तों ने हमको भगवान के बारे में बताया, तो फिर हमने कहा साईं बाबा सॉरी, हमको पता चल गया कि भगवान नहीं हो, थोड़ा किनारे कृष्ण को धड़क दिया, और उनका भगवान मुझे पता है कि इच्छा नहीं करनी चाहिए आपसे, मतलब प्रपद ग्रंथ पढ़ रहे थे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, तो आप आईटी में करा दी तो अच्छे से भक्ति करेंगे, वो कितना अच्छे से कर रहे हो तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो कुछ कर रहे हैं। प्रजा सर्ग निरोधोपि, जीव की सृष्टि के समय या संहार के समय भी, जीव का मतलब है जब शरीर दिए जाते हैं, जीव की सृष्टि नहीं होती है ये। मदग अनुग्रहात, और मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति भवेत अर्थात बनी रहेगी। अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, प्रजा सर्गे निरोधे अपि को, वह दो तरह से कह रहे हैं, प्रजा की सृष्टि या सहार के समय, यानी प्रजा सर्गे निरोधे अपि, प्रजा सर्गे प्रजा निरोधे, दो दो अलग तरह से तोड़ दीजिए, याद नहीं रह रहा संस्कृत दिखाओ भाई तो समझ में आएगा उनको। प्रजा सर्ग प्रजा निरोधे अपि, दो तरह से तोड़ दीजिए, प्रजा के सर्ग के समय या प्रजा के सहार के समय, ठीक। दूसरा अर्थ है प्रजा सर्ग निरोधे अपि, ये जो प्रजा की सृष्टि हो गई है, सृष्टि चल रही है, इसके प्रलय के बाद भी तुम्हारी मति नहीं नष्ट होगी, तो इस प्रकार से अर्थ ले रहे प्रभु जी। इस प्रकार से अलग अलग अर्थ क्यों लेते हैं, ताकि मति हमारी भगवान में लगे, ठीक है, नहीं तो हम यही मति लगाए रहते हैं, उसने ये कहा है, इसका क्या अर्थ है। वैसे आप लोग भी तो करते होंगे ना, यहाँ पे लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में माता जी लॉयर है, इसका क्या मतलब है। और मैंने सुना है कि काफी लॉयर्स, हर प्रैक्टिकली हर लॉयर केस जीतने के लिए एक ही लाइन को घुमा घुमा के करते हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं, तो हम तो कोई अलग काम, तो आपको भागवत पढ़ने में कठिनाई तो होती नहीं होगी, काम तो करते ही रहते हैं। हाँ वो अलग बात है कि लॉयर्स बड़ा झूठ बोलते हैं, हम लोग परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं, परंपरा लॉयर लोग परंपरा में करते हो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे परंपरा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी भी लॉयर्स के लिए एक चीज लेते हैं, कहते हैं देखो जैसे लॉयर लोग ये बोलते हैं, वो दफा व्हाटएवर दफा 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 कर देते हैं, उस एक्ट के अनुसार, उस एक्ट के अनुसार, उसी प्रकार से भक्तों को भगवत गीता याद रहनी चाहिए, उस श्लोक के अनुसार ये, उस श्लोक के अनुसार ये, ऐसा श्लोक वैसा करके, तो लॉयर से भी हमारे उसको सीखने को मिलता है। एक भक्त बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवेयर बट नॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवरीवेयर। बट जैसे आपको साधना करनी है तो आप स्मरण कर लीजिए कि एनएसजी के कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है, बहुत कठिन, कठिन नहीं बहुत कठिन होती है। यहाँ तो केवल सुबह उठने के लिए बोला जा रहा है, वहां 33-33 घंटे दौड़ाते हैं उसको, है कि नहीं, वो भी गेहूं क्या गुड़ और गेहूं सॉरी हाँ गुड़ और चना खिलाकर, वो क्या नाम है उसका, क्षितिज पांडे नाम है क्या ना, क्षितिज अथर्व जो भी है, तो वो बेचारा रो रहा था, बड़े दुख से हमने कहा आप तो आपको चना खिला के दौड़ाते हैं, हमने कहा हमें तो खूब पुआ पकौड़ी खिला के बोलते चलो जब करो हमारा तो कोई कठिनाई, हम भी संकीर्तन आर्मी में है लेकिन इतनी कठिन नहीं है, तो केवल जाप करने के लिए बोला जा रहा है। तुम्हारी ऐसी मति कभी भी विलुप्त नहीं होगी, क्योंकि यह मुझ में निबद्ध है अर्थात स्थापित है, अर्थात प्रेम द्वारा स्थापित है। देखिए ये शब्द हम ध्यान नहीं दिए थे कि निबद्ध क्यों है भगवान में, अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो मति भगवान में बंध नहीं सकती। प्रेम रसनाया प्रतांग पद्मा, प्रेम के रस्सी से भगवान के चरण कमल भक्त हृदय में बंध जाते हैं।
तो किसी की मति भगवान में निबद्ध है, नितराम बद्ध, नितराम का मतलब होता है बहुत अच्छा, प्रकृष्टेना, बहुत बढ़िया से बद्ध है, तो उसका मतलब है कि भगवान से उसका प्रेम है, ये अर्थ। तो देख रहे निबद्ध का कितना सुंदर अर्थ लिया, समझ में आ रहा है निबद्ध? ठीक है। मैं नित्य हूं इसलिए मुझ में आश्रित तुम्हारी ये मति भी नित्य है, ये अर्थ है। कितना सुंदर बात बोल रहे, क्योंकि भगवान नित्य है, भगवान को अपनी मति का विषय बनाया तो वह मति कभी नष्ट नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है? इस जगत में हम बहुत से विषयों को अपनी मति का विषय बनाते हैं, लेकिन क्या वो विषय नित्य हैं? अगर ये भी कह लिया जाए कि जो भी आजकल लोग डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वह भी 1900 से पहले तो नहीं थी ना, इशारे तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, और कौन जाने आज से 50-60 साल बाद ये विषय पढ़ाए जाएंगे, नहीं। लेकिन भागवत तो शाश्वत रूप से है, भागवत में मति लगा रहे हैं, भगवान का नाम कब से है? अनादिकाल से, तो उसमें मति लगा रहे हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए मति आपकी रहेगी। कितना सुंदर बात है ना, कि एक बार कभी आप लोग सोचते हैं इस तरह से कि इस समय हमारा जप में संघर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार आप निष्ठा पे पहुंच गए, अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करके निष्ठा पे पहुंच गए, तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ना अब मन कहीं भागेगा और ना कहीं नींद आएगी, ना कुछ होगा, और फिर उसके बाद धड़ 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 फिर तो प्रगति करते चले जाएंगे। निष्ठा, आसक्ति, रुचि, तो बताइए कहाँ एनर्जी लगानी चाहिए। इसीलिए मैं भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ऐसा काम करें जिसमें बहुत मेहनत ना लगे और ना बहुत मति लगानी पड़े, ना बहुत दिमाग लगाना पड़े उसमें, और ना बहुत आपको मेहनत करनी पड़े, ताकि अपने समय को बचाकर श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लगाए। देखिए अब क्या कहा जाए, हम तो केवल इतना अनुरोध करते हैं कि जो टेक्स्ट भेजते हैं उसको पहले पढ़ लीजिए। अब देखिए कितने व्यस्त हैं, भारत के पूरा जो दायित्व है वो तो हमारे भक्तों ने लिए रखा है कि नहीं, कितना कुछ पढ़ लेगा, कितने व्हाट्सएप चेक कर लेता है, लेकिन इसके लिए क्लास आना चाहिए। मुझे पता है कि अगर क्लास नहीं आएंगे तो वो एक्चुअली क्या प्रभु जी, वो फाइल आप इतनी बड़ी भेजते हो ना, 2 MB की फाइल होती है, वो खुलती नहीं हमारे लैपटॉप फोन पे, है ना, डेटा ही आपकी फाइल डाउनलोड करते करते डेटा समाप्त हो जाता है हमारा, 4 GB समाप्त हो जाता है, इसलिए तो खोल नहीं पाते, है ना, ये तो कारण है। हाँ, फोन हैंग हो जाता है, जैसे ही भागवत पे क्लिक करते तुरंत हैंग हो जाता है, सो पढ़ने ही नहीं देता है। इसीलिए क्लास में अपने आपको गिरा देना चाहिए, गिराने का मतलब समझते हैं, ये एक व्यक्ति की नहीं, यहाँ पे मैं समझता हूँ उपस्थित सभी वैष्णवों की यही दिव्य गुण है कि नहीं, खाली समुद्र प्रभु पढ़ते पढ़ के आते हैं, और कोई भक्त पढ़ता है? कभी कभी पढ़ लेते हैं, क्लास तो कभी कभी होती है ना यहाँ पे, जब आप पढ़ाई रहे तो प्रभु जी क्या पढ़ना है उसका, चलो कोई बात नहीं, दोबारा जाके कभी पढ़ते हैं, जानते कब पढ़ेंगे, जैसे आयुष प्रभु ने प्रश्न किया था, देन यू आर रीडिंग विद रिलेशनशिप, आपका एक प्रश्न था कि क्या भक्ति कर्म के द्वारा प्रकट होती है, याद आ रहा है आपको प्रश्न? तब जब मैंने आपको PDF भेजा तो आप अलग तरह से पढ़ रहे थे कि नहीं, ये होगा, इसीलिए हम PDF भेजते जा रहे हैं, आज भले ही प्रश्न नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके जैसे चित्त शुद्ध होगा तो आपको प्रश्न बनेगा कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या प्रयोजन है, तो वहां आपको फिर मिल जाएगा मटेरियल। ठीक है, हमारा कर्तव्य है, हम तो शुद्ध हो ही रहे हैं, से कुछ कुछ मेरी मति लगती है, इसको जब मैं तैयार कर रहा था तो मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि मेरी मति कुछ क्षण के लिए तो भागवत में लग रही है, तो ये मति पूरे हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी, भगवान की अगर दया रही और कुछ बीच में विपदा नहीं आई तो कितना कुछ सीख लेंगे हम। आज ही मैं 10:847 की टीका देख रहा था सनातन गोस्वामी, अथवा अथवा अथवा, 4-5 अथवा कर दी, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। मैंने कहा जब हम लोग वहां पहुंचेंगे और सब लोग जिंदा रहे, कोई मरा नहीं कोविड से, तो भक्तों को कितना सुख मिलेगा ना, इतना आचार्यों ने विचार किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जीव गोस्वामी, और तब तक तो और अनुवाद हो जाएंगे, बड़े हम साहित्य हैं। इस प्रकार से मति लगनी चाहिए भगवान में। बाल प्रबोधिनी, तब देह आदि के विनाश के द्वारा मेरी भक्ति आदि के साधन में भी विनष्ट हो, मैं नहीं होना भी विनष्ट हो जाएंगे, यदि यह नारद जी शोक करें तो उस पर यह कह रहे हैं कि मति आदि श्लोक, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कि मेरे अनुग्रह के कारण, पहले इसको समझ लीजिए, अगर नारद जी कहें कि आपने पिछले श्लोक में कहा हित्वा अवध्यम इमम लोकम, इस शरीर को त्याग करके तुम मेरे पार्षदत्व को प्राप्त करोगे, बोला था ना पिछले श्लोक में, नारद जी कहें अरे शरीर छूट जाएगा तो मैं तो सब भक्ति भूल जाऊंगा, मान लो, ऐसे नारद जी कह नहीं रहे,
आचार्य गण की शैली है कि वो इस प्रकार से बोलते हैं। मान लो नारद जी कहें कि अरे मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरी तो जो भक्ति साधन किया वो सब नष्ट हो जाएंगे, तो उस पर कह रहे हैं ना ऐसा नहीं होगा, मेरे अनुग्रह, ऐसे पकड़ लीजिए इसको, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई, टाइपिंग नहीं वो सॉफ्टवेयर की कुछ एरर है, मेरे अनुग्रह के कारण कभी भी अर्थात प्रजा निरोधेपि सर्ग अर्थात प्रलय में भी मुझमें निबद्ध तुम्हारी ये मति और पूर्व अपूर्व अनुभूत विषय स्मृति कभी नष्ट नहीं होगी। यानी कि जो तुम्हारी मेरे प्रति इंक्लिनेशन है, जो मति है, सेवा की इच्छा है, वह नष्ट नहीं होगी, और जो तुम्हारे पूर्व अनुभव है वह भी, उसकी स्मृति भी नष्ट नहीं होगी। किस प्रकार से तुम बालक थे, किस प्रकार से तुम भजन किए, यह सब तुमको याद रहेगा। तो कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम में रहेंगे, चले जाएंगे, तो क्या हमको अपना साधक जीवन याद रहेगा? तो उत्तर देख सकते हैं आप, याद रहेगा। ठीक है, इसी से उस प्रश्न का उत्तर हो गया कि पहले के काल के विषय में आपकी स्मृति काल के द्वारा किस प्रकार खंडित नहीं हुई। आप देख रहे होंगे कि जब हम श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों को समझते हैं तो उस अध्याय से हमारा संबंध बन जाता है। डज इट मेक सेंस? और नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बोल रहे हैं, तब वो प्रश्न याद है तो अच्छा लगता है उसको विषय को समझने में। तात्पर्य, भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी का जो पहला लाइन है तात्पर्य का, वो एकदम बॉम्ब की तरह होता है, बिल्कुल ब्लास्ट कर देता है बात, प्रेरणा, बहुत ही प्रेरणादायक बात होता है। यानी ऐसा समझिए कि जो प्रभुपाद जी को श्लोक से बहुत अच्छा लगा वो पहली लाइन में धर देंगे। प्रैक्टिकल आप देखिए, हर बार देख ही रहेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य इस प्रकार से, ओपनिंग लाइन जो बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि आप भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और ये जो हो रहा है इसका रिवर्स रिएक्शन नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ा दें, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। लग रहा है सब केमिस्ट्री में फेल होके आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा है? एक रिएक्शन होता है आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी लेके सकते हैं, लेकिन एक रिएक्शन है जो आगे ही बढ़ेगा बस पीछे नहीं जाएगा, तो भक्ति इरिवर्सिबल रिएक्शन। अमरनाथ प्रभु केमिस्ट्री पढ़े आप, कोमल का सॉरी करुणामित प्रभु, खिचड़ी बना दी तो वापस दाल चावल तो नहीं ले सकते ना उससे वापस आप तो समझ में आ गए ना आपको, इडली बना दी तो दाल तो बाहर नहीं निकलेगी ना, उड़द दाल कहो कि नहीं वापस लेके पी लेंगे तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है, समझ में आ गया ना? तो ये एक ही तरफ बढ़ने वाला रिएक्शन है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को नाम जप कर रहे, सुनिए इस बात को, दूसरों को दिखावा करने के लिए अगर कोई भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसके सौजन के पाप नष्ट कर देते हैं, पर अगर आप इस भावना में करें कि भगवान आपका दास हूं, तब बताइए कितना फायदा होगा। एकदम शास्त्र बात है, जो लोग भगवान को प्रणाम करते हैं यमराज जी कहते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, बताइए इतनी शक्तिशाली भक्ति है, कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं। इसीलिए बच्चों को भी भगवान के सामने लाना चाहिए, प्रणाम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि भगवान शाश्वत हैं, अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। चाहे भगवान के मंदिर में झाड़ू मार दे रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, और क्योंकि ये जगत अस्थायी होता है इसलिए जगत में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जगत के लिए तो वह अस्थायी होता है। सारा छोड़ करके फिर नया, सारा छोड़ करके फिर नया। हमें भक्त बोल रहे थे अगर आपको पढ़ाना ही है, कोर्स बनाना ही है, तो भागवत के कोर्स बनाओ, भक्ति के कोर्स बनाओ, सिखाओ लोगों को। हित्वा क्या अवध्य विमम लोकम, भगवान के पास जाओ। तो जो व्यक्ति के पास बुद्धि है उसको निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि कैसे मैं इस बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारी दीदी की हम वैसे गुणगान नहीं करते, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा लगा कि एक क्लास सुनी तुरंत सास को बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा अगर ये सारी क्लास सुनेगी तो मेरा स्थान ही ले लेगी कि नहीं अगर सारे तो इसलिए रोज नहीं आना, इसलिए नहीं नहीं लेकिन इसलिए आप क्लास में रोज मत आइएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आओगे तो कम से कम बोल नहीं पाओगे क्लास नहीं तो जिस दिन मैं बीमार पड़ा देखा ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू हो जाएगा, ये कहा तो ये तो फैमिली बिजनेस हो गया लेकिन ये मैं मजाक की बात नहीं कह रहा हूँ, इफ यू आर ईगर टू हियर यू विल बी ईगर टू रिपीट। कोई तो मिले, चाहे सास मिले चाहे कोई मिले, उसको कृष्ण के बारे में बताना चाहिए,
और ये अद्भुत बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि परंपरा से आप बता रहे हैं तो आप भी शुद्ध होंगे और वो जी व्यक्ति भी शुद्ध होगा। इस तरह से मति भगवान में लगती है, मैं खाली ये बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं करुणामित प्रभु आपको ये श्लोक पे बोलना है तब आप अलग तरह से देखेंगे कि नहीं, क्यों असीम कृष्ण प्रभु कल आपको इसी पे क्लास देनी कहीं तब आप देखेंगे ना अलग तरह से, अभी तो कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा कुछ समझा सा ऐसे करके पार कर दिया, होता है सब जगह होता है, लेकिन अगर आपको पढ़ाना है तो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। तो इससे हमारा मति भगवान में लगती, मैं ये बोल रहा हूँ। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर संचित होती है और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित समझ में इकट्ठा कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे मान लीजिए आपको BMW खरीदनी है, 5 रुपए की मिल जाती होगी ना, मैं तो बाबा हूं मुझे क्या पता 20 रुपए रेट चल रहा है क्या है। मान लीजिए कि समझता हूँ 35 लाख से शुरू होती है तो या चलो 40 लाख, तो आप बूंद बूंद करके मान लो एक जन्म में नहीं खरीद पाए तो बूंद बूंद करके पैसा इकट्ठा करेंगे, जब 35 लाख इकट्ठा होगा तब खरीद पाएंगे। ये महाराज बता रहे थे कि भाई कोई चीज खरीदना चाहते हो तो कोई धन होना चाहिए, तो ये भक्ति का धन इकट्ठा होता जाता है। इस संबंध में चेतन भागवत ने बहुत सुंदर बोला है, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन क्या है, कृष्ण के नाम का श्रवण कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यही भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान की भागवत को सुनना, इससे हमारी भक्ति बढ़ रही है। और जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगी तो भगवान हमको हम खरीद सकते हैं, इन द सेंस कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, खरीदने का अर्थ समझना भगवान के सानिध्य में जाकर उनकी सेवा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है। भागवत में एक श्लोक है क्या, कृतपुंज पुंजा, ये जो भगवान कृष्ण के संग उनके मित्र खेल रहे हैं उनमें कई कई जन्मों में पुण्य इकट्ठे किए तब आज वो भगवान के सामने संग खेलने के लिए मतलब समर्थ हो पाए। वैसे देखिए ये बात अजीब सी लगती क्योंकि वो भगवान के पार्षद नित्य हैं, वो ऐसे कोई भजन करके नहीं है, लेकिन बहुत से लोग भजन करके भी भगवान के पार्षद बने हैं कि नहीं, तो इसलिए जन्म जन्मांतर जो व्यक्ति भक्ति करता है जो प्रतिफलित होती है तो भगवान की सेवा प्राप्त होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि भगवान भक्ति का फल देने वाले हैं और इसीलिए उनका नाम है अच्युत। अच्युत अर्थात जो अपने भक्तों पे कृपा करने से कभी नहीं चूकते, और आप ये देख रहे हैं कि सारा इस प्रसंग में भगवान कृपा ही कर रहे हैं, और इससे पहले भी आपने सुन लिया था जब उनकी माँ मरी थी तो क्या बोले, शम अभिप्सतः, मैं उन ईश्वर की कृपा को ही मन्य माना, कृपा को ही माना जो अपने भक्तों के शम की इच्छा रखते हैं कि उनका भक्त का मन प्रसन्न हो जाए, उसे परमानंद की प्राप्ति हो, यही इच्छा भगवान रखते हैं और उसी के तदनुरूप ही वो कार्य करते हैं। तद अनुरूप मतलब उसके अनुरूप, उस संस्कृत मुख से निकलती है समझ में आ रहा है, तद मतलब उसका अनुरूप, उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं, भक्त को सुख मिले, कभी दुख देने के लिए भगवान भक्त संग नहीं करते, भले हम उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो भगवान की ऐसी संचित सेवा जन्म जन्मांतर भक्ति करता रहे कभी विनष्ट नहीं होती अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। ये फिर से बात आपको याद आ रही है कि भक्त कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेता, वह इसीलिए जन्म लेता है ताकि भक्ति के फूल पत्ती फल इत्यादि फलित हो। ये बात भगवान के वह आयोजन में भगवान के प्रबंधन में जन्म लेता है ताकि उसकी भक्ति आगे और बढ़े, तो बड़ा खुश होना चाहिए कि जितनी भक्ति कर रहे हैं उससे आगे और भक्ति करने का मौका ही प्राप्त होगा, खराब स्थान प्राप्त नहीं होगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। यहां रुकते हैं, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ जूम पे, या यहाँ पे किसी भक्त का प्रश्न है तो आप लोग सोच सकते हैं जब तक कि मैं यहाँ प्रश्न देखता हूँ। सफाई करें वक्त अगर कीट मर जाते हैं तो देखिए सफाई करते समय कीट मर जाते हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मजा नहीं आना चाहिए उन्हें मारते समय, ठीक है। जितना हो सके उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, हाँ ठीक है, हाँ काफी अच्छा है। कह रहे कैटलिस्ट मतलब वह रिएक्शन में भाग नहीं लेता, केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता, तो गुरु आपके और भगवान के संबंध के बीच में नहीं आते, आपके संबंध को और बढ़ाते हैं। क्या हमको
अलाउट नहीं लगना चाहिए, ऑल आउट नहीं लगाना चाहिए, मैं मच्छरदानी लगाता हूँ। जितना जीवों के प्रति अपराध ना हो उससे आपकी भक्ति बढ़ती है। किसी भी जीव को हम दुख देते हैं तो हमारी भक्ति क्षीण होती है। तो मच्छरदानी लगाइए, ऑल आउट तो आपके खुद के लिए नुकसानदायक है। ये आपको लगेगा हल्का प्रश्न है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब व्यर्थ ही अन्य जीवों पर हमें दुख नहीं देना चाहिए। हम लोगों को कोई केमिकल गैस मार मार के मारेगा तो कैसे लगेगा बताइए आप लोग को। यहाँ क्लास, यहाँ मैं नहीं, यहाँ पे क्लास में मैं बुलाऊँ सबको, फिर एक गैस भर दूँ यहाँ पे सबको मारूँ, बहुत खराब लगेगा ना। तो और ध्यान दीजिएगा, मच्छर को नहीं पता है कि आपका खून पीता है तो आपको दर्द होता है, तो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन हम मारते हैं तो लगता है। तो इसलिए मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। भक्तों को हिंसा से रहित जीवन बिताना चाहिए। कौन कष्ट बा अच्छा ठीक, का भाई कौन परेशानी बा, ठीक है कौन कौन है, अच्छा बिहारी लोग। परिपक्व अवस्था क्या होती है? परिपक्व मतलब भगवत प्रेम की अवस्था। पाप का नष्ट होना और चित्त का शुद्ध होना एक ही बात है। तो पाप एक हरि नाम से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चित्त में विकार क्यों? देखिए, हम लोगों ने इसको चर्चा में छठे स्कंद के अध्याय की चर्चा में लिया था कि एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान जानबूझकर कुछ समय तक पाप की प्रवृत्ति को भक्त के हृदय में रखते हैं ताकि अन्य जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। सुने थे ना बात? तो इससे भ्रमित मत होइए कि नाम के प्रभाव से चित्त नष्ट हो जाए। या दूसरे एंगल से कह लीजिए कि भाई पाप नष्ट हो जाता है लेकिन पाप की महक रह जाती, वासना रह जाती, तो उसके निर्मूलन के लिए भी बार बार नाम उच्चारण करना होता है। ये श्री स्वामी कहते हैं, दोनों में से कोई वर्त लीजिए। यानी पाप नष्ट हो गया है मतलब आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी पाप की वासना वो है हृदय में, तो उसको साफ करने से और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये भी क्लियर बोला गया था कि नाम जब हम पाप नाश करने के लिए नहीं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जो दुर्वासना है, आपने सुना ना, दुर्वासना है तो भगवान नहीं दिखते हैं, तो दुर्वासना का निर्मूलन करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए बार बार नाम उच्चारण करते, ठीक है। फल्गु वैराग्य क्या है? इस जगत में हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन हम कहें भाई, अब मान लो जैसे हमारे कोई गेस्ट आए, कहें हमने इस गौशाला को त्याग दिया है, तो प्रश्न बनेगा कि गौशाला कहाँ थी आपकी? या मैं लखनऊ में कौन सा, वो जो नवाबगंज के पास, कहाँ बोलते हैं नवाबगंज, भाई बहुत बड़ा स्टेट असेंबली हॉल है जहाँ पे लोकसभा कहते हैं क्या, लोकसभा है, वहाँ बाहर मैं खड़ा हो जाऊँ, कहूँ कि भाई इस लोकसभा को मैंने त्याग दिया, अब समझ में आ रहा है, विधानसभा जो भी है, बहुत पुराने, अब मेरी स्मृति तो खंडित हो रही वहां के लिए। तो प्रश्न करेगा भाई आपका ये थी कब, ये तो कभी विधानसभा की नहीं थी। तो उसी प्रकार से इस जगत में रहते हुए समझना चाहिए कि वस्तु कोई भी हमारी नहीं है, लेकिन उन वस्तुओं का उपयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना है, तो वो सच्चा वैराग्य है। और कोई कहे कि नहीं मैं वस्तुओं को त्याग दूंगा, ये वस्तु मेरी नहीं है, तो फल्गु वैराग्य, तुम्हारी तो पहले से ही नहीं थी, ठीक है, इसको झूठा वैराग्य कहते हैं। हरी बोल, इसका क्या प्रयोजन था? जप हरे कृष्ण हरे राम गिवन बाय वन। अच्छा, ये प्रश्न कह रहे हैं कि भजग निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, एक बड़े महात्मा ने दिया था, उन महात्मा से श्रील भक्ति ठाकुर जी ने बात करी कि आपने ये मंत्र क्यों दिया, तो उन्हें कहा कि अब तो दे दिया है क्या करूं अब तो ये प्रचारित हो गया है, ये सब रिकॉर्डेड बातें हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र ही शास्त्र का है। देखिए, महात्मा अपने मन से मंत्र नहीं बताते, नारद जी से बड़े महात्मा नहीं है, लेकिन वो उपनिषद का मंत्र बताते हैं, है कि नहीं? ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेव बोल रहे हैं उपनिषद का मंत्र। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि कौन सा, कैसे कलयुग में उद्धार होगा, तो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, वो कलि संतरण उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद के मंत्र, शास्त्र के मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं, गुरु अपने मन से कोई मंत्र नहीं बनाते। हरे कृष्ण मंत्र अपने मन से नहीं बनाया गया है, तो इसको समझना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र, जैसे जैसे भागवतम आगे बढ़ती रही है उतना आई एम फीलिंग लाइक आई एम नॉट अ डिवोटी, आई एम सो बैड इन कृष्णा कॉन्शियस, इज इट ओके टू फील लाइक दिस प्रोजी? लादिनी, अच्छा लादिनी शक्ति नहीं, लादिनी मतलब जितना जितना भागवत हम पढ़ रहे हैं उतना महसूस हो रहा है कि हम भक्त नहीं है। हाँ, तो ये सही है, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि असली वाले भक्त होते क्या है, नहीं तो तुमसे क्या
मैं से बड़ा भक्त तुम्हारा कौन, ऐसे गाना होता है ना आपके भक्तों में मुझसे बढ़कर कौन, ऐसे गाने सुनते हैं लोग। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम खाली बोल रहे थे कि बल्कि आप देखेंगे पता अलग, ये कुछ अलग चीज़ है, ये आपने शायद कल नोटिस नहीं करी थी कि भक्ति का स्वभाव है कि जितना आप भक्ति में प्रगति करेंगे उतना आपको फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग मतलब ये लगेगा ना कि भक्त हुए, और जब प्रेमावस्था आ जाएगी ना तब ये लगेगा कि मुझे तो प्रेम की गंध भी नहीं है। ये बड़ा अद्भुत भक्ति का स्वरूप है, जितना भक्ति में प्रगति करेंगे उतना आपको लगेगा कि मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन भगवान की सेवा के अलावा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये भी बात है, कुछ पैराडॉक्सियल लग रहा है कि नहीं? आप वकील हैं कि नहीं? आयुषी मात जी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कि नहीं? और एक अच्छे से जानती हैं और अच्छे जान रही हो आयुष प्रभु आप, ठीक है वैश हो गया नाम से, नेटवर्क प्रभु आप बेच लेते सामान, धोखा दे लेते हैं धोखेबाज है मान रहे कि नहीं किसी को कुछ भी बेच लेते हैं, आकाश प्रभु पढ़ा लेते हैं किसी को कुछ ना कुछ, कुछ भी पढ़ा देते हैं ना तो अपनी योग्यताओं को हम अनुभव कर रहे हैं ना, बड़ा इजी है। जो कार्य हम अधिक करते हैं वो हम जान रहे हैं इसको, लेकिन भक्ति बड़ी सुंदर बात है कि भक्ति में जितना प्रगति करेंगे आपको लगेगा अन्य लोग भक्त हैं, मैं तो भक्त हुई नहीं। युधिष्ठिर महाराज कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न किया गया, युधिष्ठिर महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज के सगे क्या मतलब कजिन ब्रदर है कृष्ण, सोचिए कृष्ण एकदम पास में है, एवरी डे ही कैन सी कृष्ण। और जब नारद जी से वे प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुनते हैं तो कहते हैं मैं तो भक्ति नहीं हूँ, फिर नारद जी को समझाना होता है अरे भैया आपके तो गुरु है, आपके तो रिश्तेदार है, भाई बने हुए हैं कृष्ण, जिनको देखने के लिए आपके महल में सारे ऋषि मुनि आते रहते हैं, आपका तो कहना ही क्या। ये सब बोलता हूं ना तो मन करता है कि कल से ही बृहत भागवत अमृत शुरू कर दो, जैसे अब सोच रहा हूँ कर ही दू 10 से 11 में, तो आप लोग पता नहीं फ्री है कि व्यस्त है। हाँ संडे को रेफरी साहब कह रहे हैं जो भी है, लेकिन एक बार जीवन में बृहत भागवत अमृत जरूर पढ़नी चाहिए, प्रथम वाला भी, तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति का मुझे बहुत लालच हो रहा है पढ़ाने का, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और दूसरा पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा कैसे गोलोक जाता है, वाह वेरी नाइस। एनीवेज ठीक है, तो वी शुड नॉट फील दैट वी आर बैड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए महसूस होगा कि हम भक्त नहीं हैं, भक्ति बन करने के लिए बहुत आगे जाना है। ठीक है कह रहे हैं कि हम भागवत सुनने की इच्छा रखते हैं फिर भी हृदय में क्रोध है और बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या वह कृष्ण कथा सुनने से चली जाएंगी? हाँ भाई, आपके अगर मान लीजिए 104 बुखार है, पैरासिटामोल खाए हैं, 103 चला गया, अब 103 से 102 कैसे आएगा? पानी पीने से, बस सिंपल उत्तर आकाश प्रभु जानते, सॉरी असीम कृष्ण प्रभु जानते थे, जिस दवा से 104 से 103 आया है उसी से 102 आएगा और 100 आएगा। ठीक है, जो भक्त वाणी से दूसरे भक्तों को कष्ट देते हैं उसका क्या होता है? भाई देखो उसका क्या होता है मतलब नहीं, आप दूसरों को कष्ट मत दो। ऐसे बहुत से भक्त मिलेंगे जो वाणी से कष्ट देते हैं, तो इसलिए उनका जो होता हो तो होता ही होगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी वाणी से हम किसी को कष्ट न दें। भक्ति क्षीण होती है, सीधी मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन दूसरों को अगर वाणी से भी कष्ट देते हैं, वाणी तो बहुत होगा, मन से भी कष्ट देते हैं तो हमारी भक्ति कम होती है। ठीक है, श्रुति स्मृति ये कहाँ से प्रश्न आ गया? श्रुति स्मृति के प्रश्न यहाँ पे थोड़ा है, ये तो संसार में भी देखा जाता है कि जितना मिलता है उतना ही अभाव रहता है, तो विशेष क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए बहुत गंभीर प्रश्न है। इस जगत में जब कोई भौतिक वस्तु प्राप्त होती है तो वे एक और ग्लानी का निर्माण करती है, ये लाइन समझ में आई? 50,000 मिले, अरे कम मिले और चाहिए, तो उसमें ना तो सुख है और ना तृप्ति है, लेकिन भक्ति में सुख है और तृप्ति नहीं। आप समझ में आया? और वो बहुत अच्छा लग रहा है और चाहिए और भक्ति करने, ये अंतर है। और यहाँ केवल जलन है और तृप्ति भी नहीं है, ये अंतर है। अच्छा प्रश्न था, अब बुद्धिमान हो रहे हमारे आशीष गोविंद प्रभु। फ्री टाइम अपने आप आ जाएगा, पता नहीं क्या हो गया ना। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? भगवती भी है उसने हरे कृष्णा। अच्छा, क्लास से बाहर का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, गरम खाने में तुलसी लीव्स डाल सकते हैं क्या? डिपेंड करता है कितना गर्म है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, भगवान को बहुत गर्म खाना नहीं दिया जाता। ठीक है ओके, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, भगवान अब प्राण करते हैं। हाँ प्रभु माइक दीजिए।
प्रभु जी, भक्ति के स्टेजेस में जैसे अनर्थ निवृत्ति आता है जी, भजन क्रिया साधु संघ के, साधु संघ भजन क्रिया के बाद जी, मगर रुचि बहुत बाद में आता है। हाँ। तो मगर हम लोग बैठे तो हम रुचि है तभी बैठे हैं। वेरी नाइस। देखिए ये रुचि का विकास ही भक्ति की फुल प्रक्रिया है, बस उसकी इंटेंसिटी को अलग अलग कहा जा रहा है। निष्ठा, आपकी कोई रुचि नहीं है तो क्या आप बताइए आएंगे? सोचिए आप लोग इतना थक करके लखनऊ से आए और फिर यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए, नहीं तो पहले सोचेगा आराम करेंगे, कुछ पानी पिएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, खाए पिए तो हैं, लेकिन अगर आपका आग्रह नहीं होता तो आप यहाँ पे आते? तो ये सब, और या अन्य भक्त जो भी जूम पे आ रहे हैं उन्हें कोई पैसा थोड़ा दिया जा रहा है। तो टेस्ट तो पहले दिन से ही था, समझ लीजिए, फिर से ध्यान से सुनिए। भक्ति में आने की योग्यता है भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों को श्रवण करने की रुचि, उसमें श्रद्धा। तो शुरुआत में आप पता नहीं कैसे भक्ति में आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है अच्छी तरह से आएंगे, किसी तरह कोई कथा सुनने चले गए होंगे, गलती से ही या अरेंजमेंट से। आप लोगों को अरेंजमेंट से लाया गया था भक्ति में या कैसे? किसी ने न्योता दिया था कि आओ कथा सुनो? कैसे पहुंच गए थे मंदिर आपको? यूट्यूब से। तो अब उस टाइम तो श्रद्धा नहीं थी कि भाई पीबत भागवतम रसमालयम, ये तो नहीं सुने थे ना। यूट्यूब पे देख लिया, हाँ अच्छा लगा, उसके बाद फिर और सुनने की इच्छा हुई। वैसे यूट्यूब अपने आप में एक तीर्थ बन गया है, क्योंकि तीर्थ ना, तीर्थ में ना भी आओ तो भी अकस्मात कुछ कथा वथा सुन लेता है व्यक्ति। तो वहां से आपको टेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं? और आप देखिए अब आप योजना बना के आए कि नहीं आए? योजना थी ना कि असीम कृष्ण को किडनैप करवाना है। आपको पता नहीं था, मेरी सेटिंग थी ठीक है, और अगर कहीं केस कर दें तो लॉयर भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम खाली इतना मजाक कर रहे हैं, लेकिन योजना बना के आए कि नहीं आप? तो योजना जो, जब योजना बना के भक्ति की जाती तो वह श्रद्धा का लेवल है। हाँ यस भाई, आप समझिए, पहला था सताम कृपा, भक्तों की कृपा की भाई ये व्यक्ति भक्त बन जाए किसी तरह से, कोई योग्यता नहीं। फिर महत सेवा, भक्तों की सेवा हो जाती है, भक्तों से कुछ सुन लेते हैं, वहां तक रुचि है, लेकिन योजना नहीं बनाई है। ऐसे सुना तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ सुनना चाहिए, अब जब लगा अच्छा लगा तो अब फिर से आते हैं। तो अब ये श्रद्धा हो गई, श्रद्धा मतलब योजना बना बना करके वह सुनता है, डज इट मेक सेंस? और फिर यही जब योजना बना बना के सुन रहा है श्रद्धा से, फिर आगे क्या आता था? भजन स्प्रिय, यहां तक स्मरण, कि हम भजन करेंगे, फिर गुरु की फिर आश्रय लेता है, हम गुरु के शरण लेकर के भजन करेंगे, फिर उसके बाद भजन क्रिया, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति इत्यादि इत्यादि, ऐसे होता है। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जा रहा है, और पहले दिन से ही हृदय शुद्ध होता चला जा रहा है, वैसे वैसे हमारी रुचि भगवान में बढ़ती जा रही है। रुचि में एक व्यसन बन जाता है, व्यसन समझते हैं, मतलब एक आदत होती है ना गंदी, उसको छोड़ नहीं पाता है व्यक्ति, उस तरह की स्थिति रहती है। अभी भी आप देखते हैं ना कि बहुत बार छूट जाता है भजन, कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं करे यार, रहा नहीं जा रहा है, एकदम मन उद्विग्न हो जा रहा है, उद्विग्न का मतलब होता है परेशान हो जा रहा है, भजन नहीं कर पाने पे परेशान होने लगती है। मेक सेंस? तो ये स्थिति समझ रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ती है आसक्ति में, और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और भाव स्तर में आपको कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने कितने सांस लिए अभी तक, सांस लेने के लिए तो अलग से कुछ प्रयास नहीं करते, तो उसी प्रकार से बिना प्रयास की भक्ति होने लगती है। तो भाव भक्ति तक प्राप्त, मतलब मेहनत कर लीजिए, और मेहनत भी गलत बोल गया, निष्ठा में भी मेहनत नहीं करनी आपको। रोज ही जप अच्छा लगता है, कभी जप अच्छा लगा है आपको? आयुष अचित कृष्ण प्रभु, अरे तो आप ऑलरेडी एडवांस्ड हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए, जो अनुभव मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा माला लगती है, मतलब और माला करने का मन करता है 16 से भी अधिक, तो अगर उस तरह का लगने लग जाए व्यक्ति को, तब भी आप कहेंगे कि माला क्यों करनी है? कुछ ग्रहण कर रहे हैं मेरी बात? यू बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग, नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूरा जीवन ही कट जाएगा जपा करते करते, भक्ति करते हुए। तो ये निष्ठा के स्तर पर होता है, जहां पे आपको अब, और वो निष्ठा कैसे आती है? भागवत श्रवण करने से। इसीलिए बोला गया है कि भागवत सुनने से नाम में रुचि आती है, नाम अपराध क्षीण होते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न तो यहाँ भक्तों में? हाँ ओके। प्रभु जी, जब करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि बहुत आनंद आ रहा होता है, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, फिर उसके बाद क्या मतलब भगवान टेस्ट करते हैं कि अगर रोक देंगे इसका तो फिर तब भी इसी लगन से करेगा कि नहीं? हाँ तो कल शायद क्लास में थे आप, कल नहीं थे? कल यही चर्चा कर रहे थे हम लोग कि भगवान अपनी इच्छा से टेस्ट देते हैं, कि अब टेस्ट नहीं देंगे बेचारे को तो बिल्कुल ही सूख जाएगा,
तो टेस्ट देते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर टेस्ट, तो समझ आता है कि भाई भगवान इसके कंट्रोलर हैं, हम इसके कंट्रोलर नहीं। को भजन करते हैं भगवान चेक करते हैं कि क्या केवल रुचि दूंगा तभी भक्ति करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय श्रद्धा का अर्थ है कि आपको अनुभव चाहे कुछ भी हो, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारा लक्ष्य जो है उस पर ध्यान रखते हैं। कुछ भी हमारा अनुभव हो रहा है उससे मतलब नहीं। कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणिनाम, इसीलिए रोज रटवाता हूँ रोज, कि मान लो नहीं भी मन कर रहा है, ये याद रखिए कैसे भी नाम उच्चारण कर रहे हैं तो मुक्त हो जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माइक पे बोलिए। जैसे नारद जी का स्मृति पूर्व जन्म की थी जी, ऐसे भागवत में ऐसे किसके और कोई है क्या भक्त जिसका स्मृति ऐसे भगवान ने दे रखा है? अब देखिए गजेंद्र के एकदम से पूर्व जन्म के जो मंत्र वो बोलते थे याद आ गए कि नहीं? हाथी के शरीर में भी एकदम से स्मरण आ गया। अच्छा, जड़ भरत का स्मरण था कि नहीं? जड़ भरत को याद था ना कि हिरण के रूप में भी याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, और हाँ वृतासुर को भी याद था, और लोगा तो था लेकिन जैसे और ये नलकुबर मणिगिरि को भी याद था, नारद जी के अनुग्रह से याद था, और भागवत गीता में जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम पहले ही मेरे साथ जन्म ले चुके हो लेकिन तुम भूल चुके हो लेकिन मेरे याद है, क्या अर्जुन भगवान का अच्छा भक्त थे नहीं क्या? उनको भले ये याद ना हो कि उन्होंने क्या जन्म लिए लेकिन भगवान की विस्मृति कभी नहीं होती, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। अरे ये छोड़िए, आप बृहद भागवतम ने जो लिखा है आप उसको सुन के हंसेंगे, बड़ा विचित्र बात लिखी है, गोलोक में लीला ना रिपीट होती है लेकिन उनको याद नहीं रहता कि लीला पहले हुई थी। इज अमेजिंग, अनादिकाल से लीलाएं होती रहती हैं, वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये लीला पहले भी हुई थी। तो क्या स्थान है, क्या वो लीला चल रही है, तो अद्भुत स्थान, वहां पहुंचना होगा हमको, नेटवर्क हम दोनों चलते हैं, माता जी को आना हो तो ठीक है पता नहीं, और सुभद्रा तो छुप के वो क्या कर रही है मुझे पता नहीं, आज छुप गई पीछे ताकि मैं डांटू नहीं इसको, पिक्चर बनाती रहे, ठीक है कोई बात समझ गया, भक्त की लड़की हो तो चतुर तो होगी है कि नहीं कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर, अब सामने बैठेंगे तो डांट पड़ेगी, तो पीछे बैठ जाते, मुझे दिख ही नहीं कि कहाँ है वो, मुझे लगा छोड़ के आ गया उसको। I have been listening lectures. I find everything so boring, tasteless, and never get satisfied anything, even in any talks. But I cannot be Krishna conscious 24 hours. क्या मतलब? आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा है? नहीं नहीं, लेक्चर नहीं, जब से सुन लेक्चर सुनने लगे हैं सब कुछ बोरिंग लग रहा है, तो वो है, वो बोरिंग है, लग नहीं रहा है, वो बोरिंग था। मान लीजिए आप बांस है, बांस बांस समझ रहे हैं, तो बांस को चबा रहे थे और कह रहे वाह क्या जूस मिल रहा है, वाह क्या जूस मिल रहा है, और कदाचित आपको कोई गन्ना पकड़ा दे और कहो अरे जब से गन्ना खाना चालू किया है हमको ये बांस अच्छा नहीं लग रहा था, अरे बांस अच्छा था ही नहीं भाई, बांस बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ अगर संभव हो अच्छा पति मिल जाए तो माता जी लोगों के लिए हाउस वाइफ सबसे बड़ा अच्छा करियर है। मुझे पता है कि इस बात से लोग कोई मानेगा नहीं और दो चार तलवारें भी निकल गई होंगी इसमें अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या कि अच्छा पति भी नहीं मिलता आजकल, ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन अगर अच्छा पति मिल जाए, जैसे देखो ना अभी मैं समझ रहा हूँ अमृत प्रभु अच्छे डिवोटी हैं तो उनकी पत्नी भक्ति कर रही भजन कर रही क्या दिक्कत, नहीं तो जैसे भी देखो भाई वो अपना मैनेजमेंट खुद करिए लेकिन किसी तरह से कम सुबह और शाम कृष्ण कथा कृष्ण नाम उच्चारण करने का समय इतना तो कम से कम जीवन में रखो, बाकी जैसे करना चाहो करो, हम वो काउंसिल में फंसना नहीं चाहते कौन क्या करना चाहता है, लेकिन ये सत्य बात है कि जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी आपको बिल्कुल रुचि नहीं होगी। मुझे मैंने कभी इंटरव्यू नहीं लिया लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से ही तो क्रिमिनल लॉयर बनी थी ना, आपको तो बड़ा अच्छा लगता था ना लोगों के पापों का एनालिसिस करने में, बहुत मजा आता, इसने मर्डर किया इसने किया इसको बचाऊं उसको, अब माता जी खुद ही बोल रही नहीं हमको अच्छा लगा, खुद ही बोल रही थी ना अच्छा नहीं लगता, ये प्रभाव ही है, भक्ति करेंगे तो फालतू की चीजें फालतू लगने लगती हैं, अच्छा है ना। एनी हाउ हम क्या बोल रहे हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए सब मतलब, लेकिन ये सत्य बात है, मेरे को तो मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा, संकल्प भी नहीं होता कि मैं नौकरी कर सकता हूँ नौकरी भाई बात मंदिर में बाथरूम जॉब कर लेंगे चलेगा, लेकिन हम नौकरी नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर जॉब करो और ये तो करो, हमसे नहीं हो सकता, जस्ट टू मच इज इट नॉट, क्या बड़ा बहुत कठिन होता है, दो टाइम प्रसाद चाहिए, थोड़ा सोने के स्थान चाहिए, ये भक्ति का प्रभाव है।